कक्षाओं का सफल आयोजन समय समय पर दिल्ली में भी होता रहा है। झांसी का म्यूजियम महिला महासभा के सहयोग का ही परिणाम है, जिसमें महिला महासभा की अनेक महिलाओं ने अपना अहम योगदान दिया था। बात चाहे शिक्षा के क्षेत्र की हो अथवा धर्म परायणता की, आर्य का माताओं व मुनि वृंदों के आहार चर्या की हो। एक मिनट के लिए मैं स्टॉप कर रही हूँ, आप सभी जय बोलिए। परम पूज आचार्य अनेकानंद सागर जी महाराज की जय। मुनिवर आए जी नैन हर्षाए जी, गुरुवर आए जी नैन हर्षाए जी, आओ जी पधारो गुरुदेव। गुरुवर वंदन है आपका, गुरुवर स्वागत है आपका, मुनिवर आए जी नैन हर्षाए जी, आओ जी पधारो गुरुदेव। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि महिला महासभा की रिपोर्ट पढ़ी जा रही है, इजाजत है। बात चाहे शिक्षा के क्षेत्र की हो अथवा धर्म प्रणायता की, अरेका माताओं व मुनि वृंदों के आहारचर्या की, धर्मानुष्ठानों की हो, या फिर घर निर्माण से लेकर मंदिर निर्माण तक, या फिर चरित्र निर्माण की बातें हो, सभी में महिलाओं ने अग्रणी भूमिकाएं निभाई हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि महिला महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सरिता महेंद्र कुमार जैन जी ने अकेले ही 350 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है और अनेकों स्कूलों की स्थापना की है तथा सामाजिक यथार्थ अस्पतालों का निर्माण करवाया। जरा पीछे से भी जोरदार ताली बजा दीजिए सरिता जी के लिए, क्योंकि इतने नेक कार्य करने का सौभाग्य भी किसी किसी को प्राप्त होता है। यदि हम चातुर्मास स्थापना के स्थापना समारोह की बात करें तो हमारी समस्त महिलाएं अपने अपने क्षेत्रों में पूर्ण मनोयोग से चातुर्मास समारोह का आयोजन करती रहती हैं। स्वास्थ्य सर्वोत्तम धन है, इसलिए आज भी महिला महासभा के द्वारा संचालित आरोग्य चिकित्सा केंद्र जयपुर में डॉक्टर रश्मि कोठारी जी के द्वारा सुचारू रूप से संचालित है। जयपुर अर्थात राजस्थान अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, इसी हेतु जयपुर अध्यक्ष श्रीमती मणि कोठारी जी व इंदिरा बड़जात्या जी समय समय पर धार्मिक आयोजन, चिकित्सा शिविर, योग शिविरों का आयोजन करती रहती है, जो की महिला महासभा के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राज्य चाहे आसाम हो या पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश, हर प्रदेश की महिला अध्यक्ष श्रीमती सरिता महेंद्र कुमार जैन के नेतृत्व में बखूबी कार्य कर रही है। आर्थिक रूप से असमर्थ महिलाओं व बालिकाओं को महासभा के द्वारा समय समय पर आर्थिक मदद दी जाती है। यहाँ पर किसी का भी नाम उजागर करना मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। अभी तक सैकड़ों बालिकाओं को महिला महासभा द्वारा शैक्षणिक कार्य हेतु छात्रवृत्ति दी जाती रही है। अनेक बालिकाओं ने महिला महासभा की मदद से अपने शिक्षण कार्य को पूर्ण किया है। शिक्षा व शिक्षा मंदिरों का रखरखाव महिला महासभा की प्राथमिकता है। सवाई माधोपुर का चंद्र प्रभु विद्यालय महिला महासभा द्वारा ही संचालित है। पर्यावरण की दृष्टि से भी महिला महासभा सदैव सचेत रहती है। महिला महासभा ने अभी हाल ही में दिल्ली में संध्या सेठी जी की टीम ने दिल्ली के अहिंसा स्थल में, इंदौर में, उत्तर प्रदेश भोपाल ग्वालियर बाकानेर व सभी महिला जितनी भी हमारी शाखाएं हैं उनके अध्यक्षों के द्वारा अपने अपने टीम के द्वारा पौधारोपण किया जाता रहा है। यहाँ पर ग्वालियर महिला महासभा के बारे में एक बात बताना चाहूंगी कि प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत वो लोग घर घर जाकर प्लास्टिक के बैगों के लिए काउंसलिंग देती हैं और कपड़ों के बैगों के इस्तेमाल के लिए जागरूक करती हैं और वही उन्हें प्रोवाइड भी कराए जाते हैं। तीर्थ जीर्णोद्धार के लिए घर घर गुल्लक योजना का जो प्रावधान है उसमें महिलाओं ने इतिहास रचा है। हाल ही में ग्वालियर के पास बरई का जो जैन मंदिर है वह भी महिला महासभा के सहयोग द्वारा संचालित है। महिला महासभा सदैव संस्कारों पर बल देती है, इसलिए जगह जगह मंदिरों में बच्चों के ज्ञान वर्धन हेतु संस्कार शालाओं का आयोजन होता है, जिसमें नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा तथा चरित्र निर्माण पर बल दिया जाता है। महिला महासभा समय समय पर धार्मिक यात्राओं का आयोजन भी करती है। सभी महिलाएं मिलजुल कर यात्रा करती हैं। यहाँ पधारी सम्मानित महिला सदस्य
2015 की तमिलनाडु यात्रा को शायद ही कभी भूल पाए। ये यात्रा हमारी अध्यक्ष महोदया सरिता महेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में दक्षिणी विरासत के अवलोकनार्थ मील का पत्थर साबित हुई। धर्म और मनोरंजन के प्रांगण में यह अत्यंत सुखद यात्रा थी, जिसका संपूर्ण श्रेय हमारी अध्यक्षा श्रीमती सरिता महेंद्र कुमार जी को जाता है। 2018 का श्रवण बेलगोला में श्री श्री बाहुबली भगवान का महामस्ती का अभिषेक भी अद्भुत था। अत्यंत गौरव की बात है कि जिस महिला के वात्सल्य से महिला महासभा फल फूल रही है, उन्हें प्रथम भारतवर्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त है और 1037 साल के बाद उनको श्रवण बेलगोला में महिला की अध्यक्ष के रूप में स्थापित होने का भी परम सौभाग्य प्राप्त है। ये हम सब महिलाओं के लिए अत्यंत गौरव की बात है, इसलिए जोरदार तालियां एक बार उनके लिए बजा दीजिए। उस समय विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन सरिता जी की अद्भुत कार्यशैली का ही प्रमाण था। यही कारण है कि महिला महासभा समय समय पर महिला सम्मेलनों का आयोजन करती रहती है, जिसमें महिलाएं अपनी प्रतिभाओं के अनुसार ही उसमें मंचन करती हैं। विगत 2 वर्षों से संपूर्ण विश्व कोविड जैसी भयंकर बीमारी से जूझ रहा है, ये सभी आपको पता होगा। ये ऐसा संक्रमण काल है जहां लोगों के घरों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इस कोरोना काल में भी अधिकांश महिला महासभा की समर्थ महिलाओं द्वारा राशन, दवाई व ऑक्सीजन वितरण तक के कार्य किए गए। इसमें नामों की लिस्ट बहुत लंबी है, यहाँ मैं किसी एक महिला का नाम नहीं लूंगी, मैं उन सभी दानदाताओं का नमन करती हूँ। जल्दी जल्दी कर रही हूँ। सर्वाधिक अहम बात है, हम स्त्री हैं, इसीलिए जन्म से ही हमारे पर कतर दिए जाते हैं। हम स्त्री हैं, इसलिए जन्म से ही हमारे पर कतर दिए जाते हैं और हमें समझाया जाता है कि पीलो आंसू दबालो मुस्कान। हमें समझाया जाता है कि पीलो आंसू दबालो मुस्कान, मत फड़फड़ाओ, कहीं नहीं है तुम्हारा आसमान। लेकिन ऐसा नहीं है, महिला महासभा का मंच आपका है। यहाँ मुस्कान भी आपकी है और उड़ान भी आपकी है। आप में जो भी प्रतिभा है उसके मंचन के लिए महिला महासभा सदैव आपका स्वागत करती है। जैन महिला आदर्श पत्रिका अपने 100 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। देखिए कितने गौरव की बात है, हमारी जैन महिला आदर्श को पूरे 100 वर्ष हो गए हैं। 100 वर्षों से वो प्रकाशित है और महिलाओं की 3-3 पीढ़ियां उसको पढ़ रही हैं। तो कुछ समय बाद दुखद है कि इतनी प्राचीन धरोहर 5 वर्ष पूर्व अर्थाभाव के कारण बंद हो चुकी थी, किंतु सरिता जी के अथक प्रयास से इस पत्रिका को पुनः सुचारू रूप से प्रकाशित करने का दायित्व उन्हें प्राप्त है और वो स्वयं अपने खर्चे से पूरी पत्रिका को अकेले ही उसका खर्चा वहन कर रही हैं। यही नहीं, महिला महासभा की वेबसाइट, फेसबुक पेज, सोशल मीडिया के, आज आपको मैं बताते हुए मुझे बड़े हर्ष का अनुभव हो रहा है कि महिला महासभा की अपनी वेबसाइट है, आप कभी सर्च कीजिएगा, महिला दिगंबर जैन महासभा के नाम से उसका अपना फेसबुक पेज है, वो इंस्टाग्राम पे भी महिला महासभा आ चुकी है। तो जब भी अगर आप चाहें तो लिंक भी आपको फॉरवर्ड कर दिए गए थे रजनी जी के द्वारा, तो उसे सभी लाइक करें ताकि उसमें व्यूज बढ़े और आपकी उपस्थिति दर्ज हो। सोशल मीडिया के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि कोविड के दौरान सरिता जी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर थी। उन्होंने संपूर्ण महिला महासभा का, क्योंकि बालिकाओं एक बालक की तरह पोषण किया है, खर्चा चाहे कितना भी हो उनका एक ही संदेश रहता है कि सभी महिलाएं आगे बढ़े और उनके अच्छे कार्यों हेतु महिला महासभा सदैव, महिला महासभा की शान बढ़ती है इन चीजों से। कोविड के दौरान बहुत सारी चीजें उन्होंने सोशल मीडिया पर की। मैं आपको बताना चाहूंगी कि उन्होंने सोशल मीडिया पर महिला महासभा के अनूठे कार्यक्रम प्रस्तुत करवाए, जिसमें बीजाक्षर साधना महत्वपूर्ण साधना है। इसमें डॉक्टर मंजू जी जैन, अर्चना जैन, आचार्य धर्मेंद्र जी गोरखपुर, डॉक्टर आशीष पाटनी जी व राजेंद्र कुमार जैन जी के सहयोग से महत्वपूर्ण जानकारियां हमें जूम के माध्यम से प्राप्त होती रही हैं। कृपया गंभीर होकर सुन लीजिए, क्योंकि आपकी महिला महासभा के ही कार्य हैं ये, तो हमें उपलब्ध होती रही, किंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। अचानक हमें दुखद
खबर मिली हमारी अध्यक्ष महोदय का स्वास्थ्य खराब हो गया, उसी क्षण लिखा लगा कि मानो हमारा साम्राज्य कहीं से छिन रहा है। कोविड के दौरान उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने पर संपूर्ण महिला महासभा का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। ऐसे में देश और विदेश सभी जगह से उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए सैकड़ों हाथ एक एक बाद में खड़े होकर दुआएं करते थे। सरिता जी का स्वास्थ्य सचमुच में चिंता का विषय था। यथासंभव सभी ने जाप, अनुष्ठान, हवन, धार्मिक क्रियाएं की सामूहिक जाप, जिसमें एक समय में हजारों लोग जूम के माध्यम से सामूहिक जाप प्रसिद्ध चैनलों के द्वारा करते थे। परम पूज्य आर्यका गणनी ज्ञानमती माता जी व चंदनामती माता जी व स्वामी जी के द्वारा सदैव उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए अनुष्ठान, जाप, विधान होते रहे। जब भी हम माता जी से उनकी चिंता व्यक्त करते थे, वे सदैव आशीर्वाद देकर कहती थी, आप चिंता ना करें, सरिता जी यथा समय शीघ्र ही शीघ्र स्वस्थ होंगी। शायद उनके पुण्य और आशीर्वाद का ही फल है कि आज वो उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर रही हैं। और हम परमपिता परमेश्वर से ये निवेदन करते हैं कि वो यथाशीघ्र हमारे बीच में उपस्थित भी होंगी। ये दुआओं का करिश्मा है, बड़ों का आशीर्वाद है। मैं हूं तुम्हारी सदैव निर्विवाद है, सदैव निर्विवाद है। आप सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूं और पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करती हूं। महर्षि के चरणों में बार बार नमस्ते। इतने लोग हैं लेकिन तालियां ऐसे बज रही है जैसे आप लोगों को पता ही नहीं क्या हुआ। जय बोलिए आचार्य अनेकानंद सागर जी महाराज की। इसलिए आती हूं। जय बोलिए आचार्य अनेकानंद सागर जी महाराज की। जय गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी की। जय प्रज्ञासमणी आरिका चंदनामती माता जी की। जय राजधानी दिल्ली के अंदर भगवान भरत ज्ञान स्थली दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र पर आज भारतवासी दिगंबर जैन महिला महासभा का द्वारा ये मैत्री क्षमावणी का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। पारस चैनल के माध्यम से जो भी भक्तगण सारे देश में बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बहुत ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक और बहुत ही मनोयोग से इस कार्यक्रम को देखें। आज राजधानी दिल्ली के सभी कॉलोनियों से महिलाएं यहां पर एकत्रित हैं। पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी जो एक महिला शक्ति हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो आप सभी लोग ध्यान पूर्वक अपने अपने घर में बैठ करके कार्यक्रम को देखें। आप सभी से निवेदन है जो जितनी लेट आया है उसको जहां सीट मिले प्लीज वहीं बैठ जाइए। लाइव आ रहा है और आप और हम सबको पूरा हमारा देश देख रहा है, तो आप सभी से ये निवेदन है कि जहां सीट मिले बैठे, आगे डिस्टर्ब नहीं करें। महिलाएं बड़ी डिसिप्लिन में रहती हैं, ये अभी इस समय भीड़ में हमें साबित करना है सब लोगों को। आगे मैं ये मंच इंदु जी को आमंत्रित करती हूँ कि इंदु जी इसको अपने मंच को संभाल। जिन्हें मोह भी जीत ना पाए वे परिणति को पावन करते, प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, हम उनका अभिनंदन करते। मैं डॉक्टर इंदु जैन आप सभी का हृदय से अभिनंदन और वंदन करती हूँ। पूरी श्री दिगंबर जैन, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा की ओर से मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बेहद प्रसन्नता का विषय है कि राष्ट्रीय क्षमावाणी पर्व, महापर्व, जो एक ऐसा महापर्व है जो दिलों के मैलों को धो देता है, उनकी परत ठहरने ही नहीं देता, ऐसे महापर्व पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। और सबसे अनोखी बात तो देखिए कि जिनके हृदय में, जिन महिलाओं के हृदय में सबसे ज्यादा क्षमा विराजमान होती है, उन महिलाओं द्वारा यहाँ क्षमावाणी पर्व मनाया जा रहा है। और हम कहाँ हैं? हम एक ऐसी स्थली में हैं जो हम सभी का सौभाग्य है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, जिनके नाम पर इस देश को उनका नाम मिला, ऐसे भरत चक्रवर्ती की विशाल मूर्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से यहाँ पर स्थापित हुई है। और हम सभी का सौभाग्य है कि हमें ये इतना
सुंदर उपहार मिला है जो हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित हो गया है। और यहां से पूरे विश्व को यह संदेश जाएगा कि जिस भरत चक्रवर्ती के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा, उनके यदि दर्शन करना है तो दिल्ली में आकर दर्शन करने पड़ेंगे, राजधानी में आकर दर्शन करने पड़ेंगे। मैं सर्वप्रथम रमोकार मंत्र से कार्यक्रम का शुभारंभ करूंगी, क्योंकि आप सभी महिलाएं जिनके मन में क्षमा विराजमान रहती है, ये मैं इसीलिए कहती हूँ महिलाओं के मन में क्षमा विराजमान है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो सहनशील होती हैं, और जो सहना जानता है वो क्षमा सबसे आसानी से करना जानता है। रमोकार महामंत्र से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और अपने कार्यक्रम को बहुत ही जल्दी गति प्रदान करेंगे। आप सभी आंखें बंद कर लेंगे और उसके बाद हम अपने हमारे सानिध्य हमें आचार्य श्री का मिल रहा है, हम जोर से जयकारा भी लगाएंगे। रमो रे हंतारम, रमो से धारम, हम सभी के हृदय की भावना निश्चित रूप से जिनेन्द्र देव तक पहुंच चुकी है और हमें मंगल सानिध्य प्राप्त हो रहा है। सप्तम पट्टाचार्य श्री अनिकांत सागर जी महाराज का सत्संग विराजमान है और उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तो एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। जयकारा गुरुदेव का। पूरी महिला महासभा की ओर से उनके श्री चरणों में सादर नमोस्तु अर्पित करती हूँ। भारत गौरव गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का भी सानिध्य बस कुछ ही समय में हमें प्राप्त होने वाला है। प्रज्ञा श्रमणी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी का भी सानिध्य, मंगल सानिध्य हम सभी को प्राप्त होगा, उनका मार्गदर्शन भी है। और निर्देशन के रूप में पीठाधीश स्वसी श्री रविन्द्र कीर्ति स्वामी जी का भी हमें यहाँ पर सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं हृदय से सभी को नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा आज यहाँ पर क्षमा मैत्री उत्सव मना रही है, क्षमा मैत्री उत्सव। और कार्यक्रम का शुभारंभ हम करें उसके पहले हम यहाँ पर उनके नाम बताना चाहते हैं जो इस भारतवर्षीय दिगंबर जैन की महासभा की आधारशिला हैं। राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सरिता एमके जैन जो चेन्नई से हैं, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्षा श्रीमती रंजना जैन वाकलीवाल, राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा श्रीमती संध्या जैन सेठी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्षा श्रीमती सुमन जैन पांड्या जी, दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा जिनके प्रयासों से ये आज हम यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक समारोह कर रहे हैं, श्रीमती सुनीता काला जी, और राष्ट्रीय सचिव श्रीमती रजनी जैन जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती ज्योत्सना जैन जी, हम आप सभी को दिल से प्रणाम करते हैं क्योंकि आप आधार केंद्र हैं महिला महासभा की। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो कुछ ही क्षणों में हमारे समक्ष यहाँ पर पधारेंगे, उनका भी हम अभिनंदन करेंगे। हमें सानिध्य मिलेगा हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री सत्येंद्र जैन जी का जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, विशिष्ट अतिथि माननीय श्री प्रदीप जैन जी आदित्य जी का पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के, और विशिष्ट अतिथि माननीय श्री गजराज गंगवाल जी जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महासभा के, और बहुत ही सुमधुर भजन प्रस्तुत करने वाली हमारी श्रीमती बबीता झांझरी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ,
जैन सभा नई दिल्ली और अमृतमयी वर्षा योग समिति का सहयोग इस समारोह के लिए बहुत ही पूर्ण तरह मिला हुआ है। अब हम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे दीप प्रज्वलन से। दीप प्रज्वलन चित्रनावरण। दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्रीमती संध्या जैन सेठी जी को, श्रीमती पूनम जैन जी को और रंजना बाकलीवाल जी को, श्रीमती रामोतार पंखा बंद करें, सुनीता काला जी आप सभी आ जाएं और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जो महिलाएं बाद में आ रही हैं, या तो बाहर में बैठ जाएं या सामने आकर के बिछायत पे बैठ जाएं। कुर्सियां जितनी भर चुकी हैं, कृपया आगे बिछायत पर बैठ जाएं। बाहर में कुर्सियां लग रही हैं, वहां बैठ जाएं या आगे आकर के बैठ जाएं। मेन कार्यवाहक अध्यक्ष हैं आज की वर्तमान में, वो बोल दो दोबारा। बोल दिया कार्यवाहक, बोल देंगे कार्यवाहक। चित्रावरण के लिए श्रीमती संगीता अजमेरा जी, सुमन पांडे जी जो उपाध्यक्ष है महिला महासभा की, श्रीमती सरोज जी विकासपुरी महामंत्री है दिल्ली प्रदेश की, कृपया वे सभी आए और चित्र अनावरण कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलन। आभा जी रोहिणी से आई हुई है, कृपया वे भी आ जाएं। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में जब दीप प्रज्वलित होता है तो निश्चित रूप से जो ज्ञान का प्रकाश है और हमारी आत्मा में भी जो ज्ञान का प्रकाश है वो प्रज्वलित हो जाता है और हम सभी उस रोशनी में, उस ज्ञान की रोशनी में बिल्कुल समाहित हो जाते हैं। ज्ञान का दीप जला दो प्रभु, ये आज मेरे सोने मन में। ज्ञान का दीप जला दो प्रभु, ये आज मेरे सोने मन में। क्षमा मैत्री का भाव रखे, प्रभु चरणों में शीश धरे। ज्ञान का दीप जला दो गुरु, ये आज मेरे सोने मन में। दीप प्रज्वलन के पश्चात चित्रनावरण श्रीमती संगीता अजमेरा जी, सुमन पांडे जी, श्रीमती सरोज जैन विकासपुरी, सुनीता काला जी आप सभी चित्रनावरण करेंगी। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भरत चक्रवर्ती है विराजे, भरत चक्रवर्ती विराजे, वंदन करते हैं। हम वंदन करते हैं, हम नमन करते हैं। हम वंदन मन करते हैं। बोलो भरत के भारत जय जय जय, बोलो भरत के भारत जय जय जय, बोलो भरत के भारत की जय जय जय। बोलिए भरत चक्रवर्ती भगवान की। अरे जोर से आवाज आनी चाहिए, महिलाएं हैं यहाँ पे, जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए भरत के भारत की, बोलिए भरत चक्रवर्ती भगवान की। ये हुई ना बात, अब लग रहा है कि हम भारत की राजधानी दिल्ली में हैं और बहुत ही शीघ्रता के साथ हम कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। आज स्वागत नृत्य और खुशियों की सौगात लेकर, पंखे चालू कर दो, स्वागत नृत्य और खुशियों की सौगात लेकर, क्योंकि हम यहाँ पर सभी लोग क्षमावाणी महापर्व की खुशियां मना रहे हैं,
हम सभी ने बहुत ही अच्छे तरह से व्रत उपवास आदि किए हैं, तो परेषण पर्व पूर्ण होने की खुशी में और स्वागत गीत के रूप में आज यहाँ पर श्रीमती नम्रता जैन, जो कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं, ऐसी जो श्रीमती सुनीता काला जी की पुत्रवधू भी है, श्रीमती नम्रता जैन को मैं हृदय से आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और एक बहुत ही सुंदर सा स्वागत नृत्य प्रस्तुत करें और खुशियों की सौगात लेकर आए। श्रीमती नम्रता जैन जी, हमारे बीच में पारस चैनल के सभी डायरेक्टर, पारस चैनल के सभी डायरेक्टर हमारे प्रकाश मोदी जी, पंकज जी और विनोद जी और भव्य जैन, अनिल जैन, सभी डायरेक्टर जो पारस चैनल को चलाते हैं सारे देश के अंदर और विभिन्न प्रदेशों में रहते हैं, आज इस समारोह के शुभ अवसर पर उनका आगमन हमारे और आप सबके लिए सुखद वातावरण पैदा कर रहा है। सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे पारस चैनल के सभी डायरेक्टर्स कमेटी का। हम अपने अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, आदरणीय शरद जी, पवन जी, प्रकाश जी, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उन सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं महिला महासभा की ओर से। और मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ श्रीमती नम्रता जैन जी को कि कृपया भी वो आए। सुनंदा आप कुर्सी लगा दो, दो, दो बहुत ही सुंदर एक स्वागत नृत्य प्रस्तुत करें। आप सभी से निवेदन है कि जो लोग भी बाद में आ रहे हैं, वहां पर पंडाल के पीछे कुर्सियों की व्यापक व्यवस्था है, तो आप सभी अपना यथा स्थान बैठ जाएं, तो कार्यक्रम सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। सुनीता जी एक बार जाइए, माता जी को आमंत्रित करके आइए, माता जी को लेके आइए। श्रीमती नम्रता जैन जी, बहन जी जाओ, माता जी को लेके आओ। हेलो। जब तक स्वागत गीत प्रस्तुत हो रहा है, तब तक मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती निशा जैन जी को कि कृपया वो एक प्यारा सा भजन प्रस्तुत करें। श्रीमती निशा जैन जी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा है महिला महासभा की। निशा जैन जी, जितने भी हमारे आज के वक्ता हैं और कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, उन सभी से निवेदन है कि कृपया समय सीमा का ध्यान रखेंगे। सौरभ जैन इधर ही रहे। परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य श्री अनिकांत सागर जी महाराज ससंग विराजमान, उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, एवं परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ससंग विराजमान, जिनके चरणों में कोटि से वंदामी वंदामी वंदामी। आप इधर आ जाओ, विजय के बाद आ जाओ। क्षमा वाणी के इस महापर्व पर संसार के सभी प्राणियों से मेरे द्वारा की गई भूल के लिए मैं सभी से क्षमा मांगती हूँ। एक छोटा सा भजन। जैन धर्म अनुयायी हूँ मैं, इस पर मुझको गर्व है। जैन धर्म अनुयायी हूँ मैं, इस पर मुझको गर्व है। हाथ जोड़ कर क्षमा में मांगू, क्षमा वाणी का पर्व है। हाथ जोड़ कर क्षमा में मांगू, क्षमा वाणी का पर्व है। जैन धर्म अनुयायी हूँ मैं, दिल दुखाया क्षमा मांगते, मन वचन काया से हम हाथ जोड़ कर आप सभी से कहते में क्षमा दुखड़म। क्षमा मांगना क्षमा भी करना, ये पर्युषण पर्व है। जैन धर्म अनुयायी हूँ मैं, इस पर हमको गर्व
पर हमको गर्व है। महावीर भगवान ने कहा क्षमा वीरस्य भूषणम्। महावीर भगवान ने कहा क्षमा वीरस्य भूषणम्। दूसरों को करें क्षमा हम खुद क्षमा भी मांगे हम। जियो और जीने दो सबको ये संदेशा सर्वत्र है। जैन धर्म अनुयायी हूँ मैं इस पर मुझको गर्व है। जैन धर्म अनुयायी हूँ मैं। बोले परम पूज्य गणनीय आरिका 105 ज्ञानमती माता जी की। मेरी गुरु माँ आई आज इस आंगणे। मेरी गुरु माँ आई आज इस आंगणे। जैसे महावीर आए, जैसे महावीर आए चंदना के गांव में। मेरी गुरु माँ आई आज इस आंगणे। मेरी गुरु माँ आई आज इस आंगणे। बोलिए भारत गौरव गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय हो। बोलिए सप्तम पट्टाचार्य श्री अनिकांत सागर जी महाराज की जय हो। अब बिना विलंब किए मैं स्वागत नृत्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। जितने भी दर्शनार्थी हैं मैं उनसे निवेदन करूंगी कि कृपया यथा स्थान बैठकर दर्शन करें ताकि जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से संचालित हो सके। नम्रता जैन जी को आमंत्रित करती हूँ जिन्होंने कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किया है और आप बहुत ही सुंदर नृत्य के माध्यम से स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगी, स्वागत नृत्य प्रस्तुत करेंगी और साथ ही एक खुशियों की सौगात लेकर आएंगे। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ हे प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। तीर्थंकर प्रभु का स्वागत करते हैं, जिन भर का परम पूज्य तीर्थंकर प्रभु का स्वागत है। निर्मल परिणत में मंगलमय चेतन ज्ञायक का, प्रभु के चरणों में वंदन कर। ओ श्रद्धा सुमन को अर्पण कर, तुम धन्य बनो मेहमान, मंगल स्वागत है। तुम धन्य बनो मेहमान, मंगल स्वागत है। जय बोलिए आरिकासी चंदनामती माता जी की। पूज्य चंदनामती माता जी को पिछले कुछ दिनों से बुखार आ गया था, काफ़ी बुखार हो गया था, 104-105 बुखार हो गया था। पिछले 5-6 दिन से बुखार नहीं आया है, स्वास्थ्य सुधार की तरफ है। आप सभी के प्रेम से, आप सभी के वात्सल्य से पूज्य माता जी मंच पर आ चुकी हैं। सभी लोग तालियां बजा करके और पूज्य माता जी का अभिनंदन करें।
जीवली आचार्य ने कान सागर महाराज की जय हो। बरनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय हो। आरिकाजी चंदनामती माता जी की जय हो। इंदु जी लीजिए। बहुत ही सुंदर श्रीमती नम्रता जैन जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। और जब नृत्य के माध्यम से स्वागत होता है, एक खुशियां आती हैं, तो सही में हृदय एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। तो हम सभी का हृदय बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो चुका है। हमें गुरु माँ का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, महाराज श्री का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और अब हम स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और अब हम आमंत्रित करते हैं जो आज स्वागत अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, श्रीमती रंजना जैन जी वाकलीवाल, और राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्रीमती संध्या जैन सेठी जी हैं। उनको हम आमंत्रित करते हैं कि हमारे आए हुए यहाँ पर गणमान्य अतिथियों का स्वागत करें। हमारे बीच पारस चैनल के तारियों से उनका स्वागत कीजिए, श्रीमती रंजना जैन जी का और श्रीमती संध्या जैन जी का। मैं आमंत्रित करती हूँ अपने अतिथियों को जो जिन्होंने हमारी आग्रह को स्वीकार किया और यहाँ पर वो इस कार्यक्रम में पधारे हैं। पारस चैनल के डायरेक्टर हैं पंकज जी, प्रकाश मोदी जी, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगी कि कृपया वो सामने आए। जगह कम है, सम्मान ग्रहण करें। बैठ जाओ वहीं पर बैठ जाओ, जहाँ खड़े वहीं पर बैठ जाओ। कैमरे वाले ज्यादा हैं, जगह कम है आगे, कृपया। हाँ देखिए, माता जी विराजमान है। सबसे पहले जय बोलो आरिका गन्नी ज्ञानमती माता जी की। सभी जानते हैं कि महिला शक्ति अच्छे से नजर आ रही है और बहुत सारी है। सबसे क्षमा चाहती हूँ, सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं, जगह बना बना के जहां भी मिले बैठ जाएं, जमीन में बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, शास्त्री भेंट के लिए समय था लेकिन हमारे गेस्ट जितने भी आए हैं उन लोगों का पहले हम सम्मान की श्रृंखला बढ़ा रहे हैं। और हमारी स्वागत अध्यक्ष रंजना जी बाकलीवाल जी जो कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं वो आपके पास हैं। और रजनी जी उनको शील्ड और वो देके सम्मान में उनका साथ दिलाएं। अब बोलिए, सबसे पहले पंडित जी विजय जी पंडित जी से चाहूंगी कि वो सम्मान की श्रृंखला में सबसे पहले खड़े हुए हैं। और जीवन प्रकाश जी से क्या इनका सम्मान करें? इनका सम्मान आप करोगे? ठीक। महिला महासभा द्वारा विजय जी का सम्मान और जीवन प्रकाश जी का सम्मान यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि बहुत ही सहयोग इनका हमेशा प्राप्त होता है, मार्गदर्शन भी इनका प्राप्त होता है। और आज का कार्यक्रम जो यहाँ पर इतने बृहद रूप में आयोजित हुआ है, कहीं ना कहीं से इनकी प्रेरणा भी है और सहयोग भी है। विजय जैन जी का सम्मान करेंगे, प्रतिष्ठा आप प्रतिष्ठाचार्य हैं, ख्याति प्राप्त। और हमेशा जब इनके मुख से जब मंत्रों का उच्चारण होता है और जहां भी प्रतिष्ठा होती है उस मंदिर की कीर्ति निश्चित रूप से विश्वव्यापी होती है। इंदु जी, जिनके निर्देशन के बिना कार्य संभव नहीं होते हैं, जिनका मार्गदर्शन हमेशा हम सभी को प्राप्त होता है, चाहे वो दिल्ली में रहे, चाहे वो हसनापुर में रहे, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहे, हमेशा उनका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होता रहता है। ऐसे पीठाधीश स्वसी श्री रविन्द्र कीर्ति जी स्वामी जी का हम हृदय से अभिनंदन करना चाहते हैं महिला महासभा की ओर से।
हम सभी चाहते हैं कि आपका अभिनंदन करें, क्योंकि आपका हमेशा मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होता है। बबीता जी, एक प्यारा सा भजन अभिनंदन। मधु में पावन मोहक बेला, स्वागत के गीत सुनाती है। हर श्वास हर धड़कन से स्वागत स्वागत ध्वनि आती है। मधु में पावन मोहक बेला, स्वागत के गीत सुनाती है। हर श्वास हर धड़कन से स्वागत स्वागत ध्वनि आती है। स्वागत के श्रद्धेय रविंद्र कीर्ति जी को की माला पहनाए, बजती रहनी चाहिए। उनके जैसे बने हम, यही भावना भाई। शहनाइयों की धुन भी मंगल में गीत सुनाती है। हर श्वास हर धड़कन वास्तव में जो हृदय से अभिनंदन वंदनीय योग्य है, हम उनका अभिनंदन करके स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। इसी क्रम में अब हम आमंत्रित करते हैं जिनकी आवाज, जिनका बोलने का लहजा, जब वो मंच पर आते हैं और बोलते हैं, हमारे आज के विशिष्ट अतिथि जिनके स्वागत के लिए हम कब से बेचैन थे, वो पधार चुके हैं। स्वागत श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सभी जानते हैं गजराज जी गंगवाल, जो हम सभी के बीच पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। स्वागत स्वागत करे प्रकाशन जी जैन, वो भी हमारे समक्ष पधार चुके हैं। आपका हम आपका श्री गजराज जी है आए, हम करते स्वागत पवन भैया और यहाँ पर सभी का है। स्वागत 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 करे सभी शरद भाई का, शरद जी का। स्वागत के इसी क्रम में हम अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास नहीं, आप लोगों के पास भी समय कम है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है और आप लोग बता रहे थे। तो मैं चाहूंगी गजराज जी गंगवाल, जो हमारे महासभा के अध्यक्ष और सभी के दिलों की धड़कन हैं, वो सबसे पहले मध्य में आए। प्रकाश जी भाई साहब उनके पास, पवन गोधा जी, शरद जी और मोदी जी, आप सब प्लीज एक बार। गजेंद्र भट जी, मैं चाहूंगी सब लोग एक बार यहाँ लाइन से, लाइन नहीं लगवा रही, खड़े हो जाएं प्लीज, हमारा सहयोग करें, महिलाएं कमी जानती प्रोग्राम करने। और सबका अभिवादन स्वीकार करें और सारी महिलाएं जोरदार तालियों से सम्मान करें जहां बैठी हुई। स्वागत का गीत हम गाएं और सबका वंदन गाएं, स्वागत का गीत हम गाएं और सबका वंदन गाएं। आप सभी का मंगल स्वागत है, आप आए अभिनंदन है। आप सभी का मंगल स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय श्री गर्जराज जी गंगवाल जी का हम अभिनंदन करेंगे। हमारे स्वागत अध्यक्ष महामंत्री ज्योत्सना जी भी आ जाए और प्रकाश चंद जी जो महामंत्री है महासभा के, हम आप सभी का अभिनंदन करेंगे। स्वागत निवेदन है, माला लाए, आदर आज चादर लाए। स्वागत अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती रजना रंजना जैन जी वाकलीवाल जी हैं, श्रीमती संध्या सेठी जी हैं और राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं, और दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती सुनीता जैन काला जी हैं, राष्ट्रीय सचिव श्रीमती रजनी जी हैं, हम सभी श्रीमती ज्योत्सना जैन जी हैं, हम सभी यहां पर अपने अतिथियों का अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। महिलाओं से सभी अतिथियों का सम्मान करने का निवेदन है, सभी को स्वागत में माला लाए, आदर की चादर लाए। हो माल्यार्पण कर और प्रशस्ति पत्र के माध्यम से, शील्ड के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। आप सभी लोग यहाँ पर, सिर्फ आप सभी लोग इस सम्मान के साक्षी नहीं बन रहे हैं, इस सम्मान के साक्षी पूरा देश बन रहा है, क्योंकि पारस चैनल के माध्यम से पूरा देश अभी यह सम्मान देख रहा है और यह कार्य देख रहा है। आदर की चादर लाए, नमस्कार चैनल पर भी इसका लाइव प्रसारण हो रहा है। गजराज जी आप पधारे, हम फूल माला पहनाए, अरे सिर पे मुकुट पहनाए, सिर पे मुकुट पहनाए, और आपको चंदन गाए, आप सभी हम मंगल स्वागत है, आप सभी हम मंगल स्वागत है। श्री भारतवर्षी दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान गजराज जी गंगवाल का अभिनंदन हो रहा है, मुकुट पहनाया गया है, उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। एक प्रशस्ति आपको दे, आपका गुण हम गाए, आपने इतने काम किए, गुणगान हम कैसे गाए, प्रशस्ति देकर हम भी तो थोड़ा अपना फर्ज निभाए। प्रकाश जी जैन जो महामंत्री है, राष्ट्रीय महामंत्री है महासभा के, उनका भी अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है। शरद कासलीवाल जी वो बहुत ही बड़े समाज सेवी है, उनका अभिनंदन हो रहा है। पवन गोधा जी द्वारिका धाम के हैं, पवन गोधा जी का भी यहाँ पर अभिनंदन किया जा रहा है, जिनको अभी दिल्ली सरकार की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, उनके समाज सेवा के लिए एक विशेष प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। ऐसे समाज सेवी पवन गोधा जी को शॉल उड़ाकर और माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया जा रहा है। और पवन भैया के बारे में भारत जी भी आए हुए हैं, गौरव जैन जी भी आए हुए हैं हमारे सानिध्य में। जिन महिलाओं ने स्वागत कर दिया, प्लीज वो जाके अपनी जगह पे बैठ जाए, जगह पे बैठ जाए, एक मिनट आप लोग जगह पे बैठिए। प्लीज गजराज भाई साहब से निवेदन करूंगी, वो वहीं खड़े रहेंगे। राज रानी जी, बीना जी, निगम जी, प्लीज आप लोग अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। महिलाएं डिसिप्लिन में ध्यान रखे जरा। संगीता जी, प्लीज यहाँ बात नहीं, प्लीज आप लोग अपनी जगह पे बैठ जाइए। सब लोग खड़े हो जाएंगे दोबारा। शरद राज कासलीवाल जी, निशा जी, निशा जी, निशा जी, कार्यकारिणी के जो मेंबर रह गए प्लीज वो अपने आप स्वेच्छा से यहाँ आ जाएं, और अब गजराज जी भाई साहब का दोबारा स्वागत करें सब लोग। राज रानी जी, निशा जी,
जो भी कार्यकारिणी में सम्मिलित हैं, सभी लोग यहाँ पर आके सुधा जी, शशि जी, निशा जी, मैं एक विचार रखना चाहती हूँ कि कृपया आप सभी लोग एक व्यवस्थित तरीके से, यदि प्लीज सब अपनी अपनी जगह पे बैठने का कष्ट करें। हमारे बीच पवन घुआरा जी भी आए हुए हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्लीज आप सब लोग अपनी जगह लें, सब लोग अपनी जगह लें। सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पवन घुआरा जी भी हमारे समक्ष आए हुए हैं, गौरव जैन जी भी आए हुए हैं, अशोक क्रांतिकारी जी भी आए हुए हैं। हम सभी अतिथियों का अभिनंदन करते हैं। हाँ, पवन घुआरा जी बोला। गौरव जैन जी प्रदीप आदित्य जी के सुपुत्र हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनके सुपुत्र आए हुए हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में आज सब लोग जितने भी हमारे मेहमान थे, जिनका नाम अभी अभी लिया था, प्लीज वो अपनी सील लेके जाएंगे। टाइम की कमी है, इसलिए हम उन्हें पर्सनल नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमारी सभी महिलाएं, तीन महिलाएं मिलके, सुनंदा जी, रजनी जी और सरोज सेठी जी, तीनों मिलके उनको अपनी सील देते। हमारे बीच में पारस चैनल जो चल रहा है सारे देश के अंदर, जिसने जैन धर्म की प्रभावना में एक कीर्तिमान स्थापित किया है, उसके सभी डायरेक्टर्स श्री पंकज जी जैन, श्री प्रकाश जी मोदी, श्री अनिल जी और श्री विनोद जी तथा भव्य जैन, पांच हमारे प्रमुख पधारे हैं। भरत ज्ञानस्थली तीर्थ की ओर से अभी आपका स्वागत महिला संगठन महासभा की ओर से हुआ है। अब हमारे भरत ज्ञानस्थली तीर्थ की ओर से राजकुमार जैन महामंत्री, डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, प्रतिष्ठा विजय कुमार जैन और सुनील कुमार जी हमारे, आइए सुनील जी, सुपुत्र कमलचंद जी, हाँ आ जाएं और पगड़ी पहना करके इनका स्वागत करें। ये भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर आज पूरे पारस चैनल, समझिए पूरा पारस चैनल यहाँ पर आ गया है, तो उनका सम्मान हमारे भरत ज्ञानस्थली तीर्थ की ओर से राजकुमार जैन जो इस तीर्थ के महामंत्री हैं, डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, हमारे विजय कुमार जैन प्रतिष्ठाचार्य, उनका सम्मान कर रहे हैं। भाई पंकज जी का सम्मान, भाई विनोद जी का सम्मान, प्रकाश मोदी जी का सम्मान, भाई अनिल जी का सम्मान और भव्य जैन का सम्मान, जो पारस चैनल की पूरी टीम है और जो पारस चैनल को सारे देश के अंदर और विदेश के अंदर, इसके द्वारा जो जैन धर्म की प्रभावना इस चैनल के माध्यम से हो रही है, उसके लिए हम सभी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं, तरक्की के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सभी लोग तालियां बजा करके स्वागत। आज पूजगणनी ज्ञानमती माता जी का, आचार्य श्री का आशीर्वाद लेने के लिए पूरी टीम यहाँ पर पधारी है। हम हृदय से उनका स्वागत करते हैं। भरत ज्ञानस्थली तीर्थ की ओर से, दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूदी हसनापुर की ओर से और अपनी सभी संस्थाओं की ओर से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं इस टीम का और यही शुभकामना करते हैं कि ये टीम निरंतर पारस चैनल को आगे बढ़ाती रहे, जिस प्रकार से आज तक पारस चैनल चला है और भव्यता के साथ, भव्य और भव्यता के साथ, समझ गए ना, आपका नाम भव्य और भव्यता के साथ, सुंदरता के साथ पारस चैनल को खूब ऊंचाइयों तक पहुँचाते रहे, यही पूज्य माता जी का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इंदु जी आगे बढ़ाइए प्रोग्राम को फास्ट, अब सोचा आपके साथ समय का ध्यान रखें सभी लोग। प्रकाश जी, सुनीता जी, सुनीता काला जी बता दो क्या करने जा रहे हो। मैं जीवन में पहली बार शायद महासभा ही सारी, हम लोग अथक प्रयास से, माता जी ने हमें बहुत कुछ दिया है। आपको पता है दिल्ली जैसी राजधानी में भरत स्थली तीर्थ
हमें ज्ञानमती माता जी के उससे परिश्रम से मिला है, स्वामी जी के और चंदामती माता जी के परिश्रम से मिला है, तो हम सब मिलके उन्हें कुछ नहीं दे सकते। हमने हम दे भी नहीं सकते और हम उनकी देने की कोशिश कर रहे हैं, दे नहीं सकते, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। हम सब मिलके एक बार जोरदार तालियां। मैं अशुद्ध भी पढ़ सकती हूँ, गलत भी पढ़ सकती हूँ, क्योंकि पहली बार मैं प्रशस्ति पत्र पढ़ने जा रही हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे कोई बात नहीं आएगा। भारत गौरव नए तीर्थ सर्जन की सह प्रेरिका, 27 ग्रंथों की लेखिका, परम पूज्य गन्नी प्रमुख, सर्वाधिक वरिष्ठ आर्यिका माता जी के पावन कर कमलों में सादर समर्पित अभिवंदन पत्र, महिला महासभा के लिए ये आनंद का विषय है कि आज हम सभी को अभिनंदन पत्र समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमन संस्कृति साहित्य तीर्थ भूमियों की महान सृजिका, वचन और मनोकल्पना की साक्षात सिद्धिका, प्राकृत संस्कृत आदि अनेक भाषाओं की उत्कृष्ट विदुषी, एष्ट शास्त्री सड़कंडागम नियम सार जैसे अनेक जटिल मूल ग्रंथों की प्रौढ़ टीका करती प्रत्येक चतुर्मास स्थल पर इतिहास सृजन की प्रेरणत्री भारत गौरव पूज्य गन्नी प्रमुख वरिष्ठम आर्यिका माता जी के ये अभिवंदन पत्र समर्पित करके महासभा आनंद का अनुभव करती है और मंगल कामना करती है कि आप दीर्घायु होकर हम सभी को इसी तरह मार्गदर्शन प्रदान करती रहे। आपको प्लीज सब ध्यान देंगे, आप सबकी तरफ से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप सब बोल रहे हैं, आपकी राष्ट्र माँ, आपको राष्ट्र माँ की उपाधि से विभूषित करते हुए हम सभी अत्यंत गौरव अनुभव कर रहे हैं। तालियां तो ऐसे बज रही है, राष्ट्र माता घोषित करते, राष्ट्र माँ घोषित करते हुए हम अपार खुश हो रहे हैं और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। ये मैं पढ़ चुकी श्री दिगंबर जैन, श्री भारतीय वर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा की तरफ से ये हम लोग सब अभिनंदन पत्र दे रहे हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें आर्यिका गन्नी ज्ञानमती माता जी के चरणों में ये समर्पित करने का मौका मिल रहा है। आप सभी महिलाओं से जो कार्यकारिणी है विदाउट डिस्टर्ब किए आगे की लाइन में खड़े होंगे, ऊपर तीन महिलाएं संध्या जी, रंजना जी हमारी और शायद मैं भी, हम लोग समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी, आपने मौका दिया मुझे। तुम्हें और क्या, बहुत ही सुंदर वाचन प्रशस्ति पत्र का श्रीमती सुनीता काला जी ने किया। सुनीता काला जी के विषय में मैं क्या कहूँ, कहा जाए दिल्ली की वो जान है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो हमें सभी महिलाओं का नेतृत्व करती हैं और एक ऐसी महिला है जो निश्चित रूप से हर समय खड़ी रहती है, चाहे विकट परिस्थिति हो चाहे सम परिस्थिति हो। कोरोना काल में भी आपने बहुत सारे लोगों को मदद की, ऑक्सीजन भी प्लांट भी वहां पर दिए गए, तो जोरदार तालियों के साथ उनका भी हम अभिनंदन करेंगे। और आज भारत गौरव गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी को यहां पर राष्ट्र गौरव गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की सिवा माँ तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। मदर ऑफ नेशन तुमको कहे हम माँ, मदर ऑफ नेशन को कहे हम माँ, गणनी आर्यिका शिरोमणि तुम माँ।
जिन वाणी पाए तुमको हमारी उम्र लग जाए माँ तुमको हमारी। कौन कौन चाहते हैं कि माँ माँ को हमारे जिंदगी का कम से कम एक साल तो मिल जाए, जरा दोनों हाथ उठाएंगे एक साथ। तुम्हें यार क्या दूं मैं इसके सिवा माँ तुमको हमारी उम्र लग जाए तुमको हमारी उम्र लग जाए। बिल्ली को तुमने अनुपम कृति दी है भरत की प्रतिमा जो यहाँ पर खड़ी है। दिल्ली को अनुपम कृति तुमने दी है भरत की जो प्रतिमा यहाँ पर खड़ी है। चंदना प्रतिमा के भी आशीर्वाद पाए आपको भी हमारी उम्र लग जाए माँ आपको हमारी उम्र लग जाए। और मैं क्या दूँ किसके सिवा आपको हमारी उम्र लग जाए माँ आपको हमारी उम्र लग जाए। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। एक महिला शक्ति जिसने पूरे जैन समाज को अनेक निधियां प्रदान की हैं, जैन धर्म के झंडे को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, 108 फीट की प्रतिमा जो विश्व की अखंड पाषाण की सबसे ऊंची प्रतिमा आज बनी है, उसके निर्माण की पावन प्रेरणा स्रोत और पिछले 20-25 साल के सपने को आज जो पूरा किया गया, माता जी की भावना थी 25 साल पहले कि राजधानी दिल्ली के अंदर एक खड़गासन भगवान विराजमान हो जाए और वो भरत भगवान के रूप में पूजगणी ज्ञानमती माता जी ने विराजमान करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। चाहे अयोध्या हो, हसनापुर हो, काकंडी हो, इलाहाबाद हो, चाहे मांगी तुंगी हो, लेकिन आज राजधानी दिल्ली के अंदर भरत स्वामी की जो प्रतिमा विराजमान हुई है उसका एक ही उद्देश्य माता जी का है कि भगवान भरत के नाम से देश का नाम भारत हुआ है, ऐसे भरत का संदेश सारी दुनिया के अंदर पहुंचाना है। ये जैन समाज का गौरव भरत स्वामी की प्रतिमा राजधानी दिल्ली के अंदर विराजमान करने का श्रेय गणनी ज्ञानमती माता जी को प्राप्त हुआ है। आज उनका सम्मान उनके कर कमलों में एक बुनियांजलि पत्र और प्रशस्ति पत्र देकर के भारतवर्षीय महिला संगठन ने अपना कीर्तिमान बढ़ाया है। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के दिल्ली प्रदेश के दिल्ली सरकार के माननीय यशस्वी मंत्री भाई सत्येंद्र कुमार जी पधार चुके हैं, उनका करतल ध्वनि से सभी लोग पूरे हाउस से सम्मान तालियां जोर से। दिल्ली सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी हम सभी के मध्य पधार चुके हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। श्री नवरत्न जैन जी भी आ चुके हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भरत का भारत मेरा। श्री फल अर्पित कर रहे हैं माता जी को और आचार्य श्री को। नंदराज जी गंगवाल जी श्री सत्येंद्र जैन जी श्री प्रकाश जैन जी सभी श्री फल अर्पित किया सभी ने। अब हम धीरेन्द्र कासलीवाल जी और नरेंद्र नरपतिया जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे श्री सत्येंद्र जैन जी का स्वागत करें। श्री सत्येंद्र जैन जी का स्वागत करने के लिए मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। धीरज कासलीवाल जी कृपया भी आए और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री सत्येंद्र जैन जी का अभिनंदन करें।
महिला महासभा की ओर से उनका अभिनंदन हो रहा है। मैं श्रीमती सुनीता काला जी से चाहूंगी कि वो भी आए यहाँ पर। प्रशस्ति पत्र यहाँ दिया जा रहा है। आप हमारे जैन समाज का गौरव है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने देखा ही है कि कितना अद्भुत कार्य दिल्ली में हो रहा है। हम सभी गौरवान्वित हैं कि हमारे समाज के गौरव के रूप में आप दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं और आपके माध्यम से लोगों को बहुत सेवाएं मिल रही हैं। हम आपका अभिनंदन करके गौरव का अनुभव कर रहे हैं। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं उसकी महिमा गाती हूँ। भारत में रहने वाली है और भरत की गाथा गाती है। जय हो जय हो, माननीय सत्येंद्र जैन जी को यहाँ पर बताना चाहती हूँ। आज श्री भारतवर्षी दिगंबर जैन महिला महासभा की ओर से गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी को राष्ट्र माँ की उपाधि से विभूषित किया गया है। वो हम सबकी प्रेरणा है, उनका आशीर्वाद हम सभी पे नित्य बरसता रहता है और उनके बारे में कितने भी शब्द लिख लो, वो इतनी ज्ञानवान है, उनका नाम ही ज्ञानमती है। इतनी भाषाओं को उनको ज्ञान है कि उनके चरणों की अगर रज भी हमको मिल जाए ना, तो समझ लीजिए हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा और वो सौभाग्य हमें हर पल मिलता रहता है। मैं बस कुछ शब्दों में अपनी बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ। वर्षों से हम खोज रहे थे, अब तक इतने सूत्र मिले हैं। जहां आपके चरण पड़े हैं वहां भूमि पर तीर्थ खिले हैं, जहां आपके चरण पड़े हैं वहां भूमि पर तीर्थ खिले हैं। आपको पास पाकर हर प्रांगण में सुख सुविधा की वृष्टि हुई है। और अंत में आपकी तालियां जरूर चाहूंगी और जयकारा लगाएंगे। जहां आपकी दृष्टि गई है वहां पुण्यमय सृष्टि हुई है, वहां पुण्यमय सृष्टि हुई है। जयकारा गुरु माँ का। अब मैं श्री भारत वर्षीय दिगंबर जैन महासभा के नव निर्वाचित माननीय गजेंद्र जी गंगवाल जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। गजराज जी गंगवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। यही होता है अगर संचालिका के बीच में कोई और यहाँ बोल के जाता है तो शब्दों का कुछ आभास गलत हो जाता है, तो प्रयास कीजिए कि बीच में ना बोला जाए। माननीय गजराज जी गंगवाल जी को मैं हृदय से आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और यहाँ पर अपना मार्गदर्शन दें। जोर से आदिनाथ भगवान की जय। भरत स्वामी भगवान की जय। आचार्य श्री एकांत सागर जी महाराज की जय। गन्नी प्रमुख आरिका ज्ञानमती माता जी की जय। चंदनमती माता जी की जय। स्वामी श्री रविंद्र कृति स्वामी जी की जय। एमएम मंच में और भी जो विराजमान है सबको नमोस्तु बंदामी इच्छामि। क्षमावाणी पर्व के अवसर पर हम सारे एकत्रित हुए हैं। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है और भी लोगों को बोलना है। हमारा ये पर्व क्षमा से ही शुरू होता है और समापन भी क्षमा से ही होता है। और एक हमारे जैन समाज में एक ऐसा पर्व मनाया जाता है क्षमा का, जो एक अनूठा पर्व होता है, जो किसी समाज में न होके जैन समाज में मनाया जाता है। लोग समझ नहीं पाते कि क्षमा का मतलब क्या होता है। और सबसे बड़ा जो क्षमा वीरस्य भूषणम्,
क्षमा तो वीरों का आभूषण है। मैं अब आगे यही कहना चाहूंगा कि आरिका रत्न ज्ञानमती माताजी के बारे में मैं जितना कहूं उतना ही कम है। माताजी का जितना योगदान हमारे समाज को मिला है, ऐसा अनूठा कार्य माताजी ने किया है कि माताजी जो आज राष्ट्र मां के नाम से बोलते हैं, मैं कहता हूं यह शब्द ही माताजी के लिए छोटा है। माताजी ने, क्यों, माताजी से मेरा परिचय करीब 30 साल से है, जब हम उमेदमल जी और बाबूजी के साथ में हस्तिनापुर माताजी के पास जाते थे। उस टाइम हस्तिनापुर में कुछ नहीं था और एक कमरे में माताजी रहती थी। मेरे सामने सारा हस्तिनापुर का देखते देखते विकास हुआ। उसके बाद अयोध्या, इलाहाबाद, मतलब जगह जगह माताजी ने, कुंडलपुर, मतलब इस तरीका का कार्य किया। ये जैन समाज के लिए एक बहुत ही अनूठा कार्य, किसी के बस का रोग नहीं है। जहां तक रविंद्र कीर्ति जी का सवाल है, ऐसा योगदान, क्योंकि माताजी तो निर्देशन देती हैं, कार्य सारा हमारे स्वामी रविंद्र कीर्ति जी पूरा करते हैं और हमें इनका कार्य देख के बहुत गर्व होता है कि किस तरीका से इनकी व्यवस्था, इनके, इनसे बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है। और हमें तो हमेशा ही कहता हूं कि जितना सिस्टम से स्वामी रविंद्र कीर्ति जी काम को संभाल लेते हैं और जितने आसानी से सारे काम को पार लगा देते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। महासभा का जहां तक अध्यक्ष बनने की बात है, मेरे पर 2-3 साल से समाज का थोड़ा था कि भाई आपको महासभा संभालनी है, महासभा को देखना है। मैं हमेशा एक ही बात कहता था कि भाई जी, निर्मल कुमार जी सेठी साहब के रहते, मेरे से तो इस बारे में आप लोग कोई चर्चा ही ना करो, क्यों, सेठी जी ने 40 साल अपने जीवन के महासभा को दिए हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। अपना जीवन उन्होंने पूरा महासभा के लिए लगा दिया। माताजी के पास में जब मेरा बात आई तो मैं माताजी से आशीर्वाद लेने इसी प्रांगण में आया और मैं, माताजी ऐसी ऐसी बात है, मुझे क्या करना चाहिए, तो माताजी ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया कि नहीं, तुमको ये कार्य करना है। सब हिम्मत मिली और मैं इसके लिए आगे बढ़ा और मैं आज बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि मुझे इस पद पर बिठाया गया है। और मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी कार्य मेरे सामने आएगा उसको मैं हर तरीका से संपन्न करने की कोशिश करूंगा। मैं तन से, मन से, धन से जितनी सेवा लोगों की हो पाएगी मैं जरूर करूंगा, मैं यही आश्वासन सबको देता हूं। कार्य बहुत होते हैं, सबको खुश नहीं रखा जा सकता, लेकिन फिर भी मेरी सोच बड़ी एक ही है। मैंने माताजी के सामने भी यही बात कहा था कि माताजी, मैं पंथवाद में नहीं पड़ूंगा, 13 पंथी 20 पंथी जो भी है अपनी अपनी आमनाएं माने, क्योंकि मैं आज इसमें कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, क्यों, हर आदमी का अपना पूजा पद्धति अलग है। लेकिन जहां भी कोई विवाद मेरे सामने में आएगा, मैं उसके अंदर में उसका समाधान निकालने की कोशिश करूंगा और समाज को एक ऊंचाई देने की कोशिश करूंगा। हमारे पास योजना बहुत है, अभी मुझे 20-25 दिन ही इसके अंदर में हुए हैं और हर चीज को समझने में टाइम लगता है, तो धीरे धीरे करके सब चीज समझी जा रही है। और हमारे बीच में स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के श्री सत्येंद्र जैन जी है, ये हमारे लिए एक समाज के लिए गौरव है। आज दिगंबर जैन के अंदर में कोई मंत्री है पूरे भारत वर्ष में तो हमारे सत्येंद्र जैन जी हैं। ये हमारे दिगंबर जैन समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इसे भाई साहब छोटी मोटी बात मत समझना, क्यों, समाज हमारे एक अल्पसंख्यक समाज है जैन समाज, और अल्पसंख्यक होने के नाते हमारी समाज में कोई भी गिनती नहीं है। मैं बहुत बहुत अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने एक दिगंबर जैन समाज का मंत्री बना करके और जैन समाज को एक गौरव ये किया है। इसके लिए भी मैं अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मुझे अपने आप में इतना गर्व है कि आज सत्येंद्र जी की जो बात आती है, मैं कभी जाता हूं प्रोग्राम के अंदर में और जैन समाज का कोई भी कार्यक्रम होता है तो स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे सत्येंद्र जी हमेशा आगे रहते हैं। जैन समाज का कोई भी काम ये रुकने नहीं देते हैं, ये मामूली बात नहीं है। और हमें इसी तरीका से आगे भी हमारी योजना है कि हम सरकार से भी ये चाहेंगे कि जैन समाज एक अल्पसंख्यक समाज होने के नाते हमें हर जगह जो एक अपना हमारा ये होता है उसके अंदर में हर जगह हमारा प्रतिनिधि हो,
यही जो है मैं चाहूंगा, और हम लोग इसके लिए भी पूरे एक होकर के और सरकार से भी इसके लिए बातचीत करेंगे, ताकि हर जगह हमारे जैन समाज के प्रतिनिधि हो। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमोस्तु मिच्छामी ब्रह्मी स्वामी। बहुत ही सुंदर अपने भाव आपने बहुत ही सहज और सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किए। हमें विश्वास है कि आपका सानिध्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में महासभा को मिला है, तो निश्चित रूप से महासभा के जितने भी कार्य हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो तीर्थ संरक्षण के क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से वो पूर्ण होंगे। और अब मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आदर पूर्वक आमंत्रित करना चाहती हूँ दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी को, कि कृपया वो आए और हम सभी को कुछ मार्गदर्शन दें। परम पूज्य आचार्य निकांत सागर जी महाराज, उनका पूरा संघ, गन्नी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी महाराज, दिगंबर जैन महासमिति के अभी नए चुने गए गजेंद्र दिगंबर जैन महासमिति महासभा, चलो एक ही बात है, महासभा महासमिति, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा माने पर गजेंद्र गंगवाल जी, सभी भाइयों बहनों, आज रंजना बाकलीवाल जी, बाकी लोग भी जितने, मैं नाम किसी के जानता नहीं हूँ, उसके लिए सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि भाई देखो इतने सारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, कुछ के जानता भी हूँ ऐसी बात नहीं है, सबके नाम लूंगा तो आप बोर हो जाओगे। तो महिला शक्ति के लिए मैं सबके लिए अपनी तरफ से, आज आप लोगों को देख के पहले तो मैंने कहा भाई आज कमाल हो गया, इतने सारी महिला एक साथ हैं। तो ये माता जी का ओज है जिसकी वजह से इतने महिलाएं एक साथ इकट्ठी हैं। भैया मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने टीवी वाले सामने खड़े हो गए ना, मुझे कोई दिख नहीं रहा, सामने से इधर आ जाओ, साइड में आ जाओ, हाँ इस तरफ आ जाओ, थोड़ा साइड में आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, आप भी इस तरफ आ जाओ ना, कैमरामैन बैठ जाए, कैमरा सेट करके बैठ जाए, कैमरामैन जो भी कैमरामैन है, ये जो बालिका है भी बैठ जाए, अभी बैठ जाओ बालिका। आज हम लोग एकत्र हुए हैं क्षमा मांगने के अवसर पर। अक्सर हमें लगता है कि हमें लोगों को क्षमा करना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए, और उसके भाव को ना समझते हुए हम सिर्फ ये कह रहे थे भाई क्षमा मांग ली काम खत्म। जैसे होता नहीं हैप्पी बर्थडे आया कि भाई जिसका भी आया उसको एक मैसेज भेज दो, काम खत्म हो गया। सबसे पहले तो ये विचारणीय प्रश्न आता है हमारे सामने कि हमें क्षमा मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों गलती करेंगे तभी तो पड़ेगी, अगर गलती नहीं करेगी तो करेंगे तो क्यों पड़ेगी। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 20 साल पहले की बात है, सरस्वती यार में रहता था, तो महाराज जी आए मंदिर में, मैं अपनी मदर के साथ गया था, तो महाराज जी कहते हैं भाई आपका छोरा है ये, तो पता नहीं कैसे पहचान लिया महाराज जी ने, तो वो बात तो लंबी है, उन्होंने कहा भाई ऐसा है तुम मंदिर जाते हो, मैंने कहा जी जाता हूँ, कहते कितनी बारी, मैं साल में 3-4 बारी, कहते रोटी खाते हो, मैंने हाँ जी, कहते कितनी बारी, मैं दिन में 3-4 बारी, कहते रोटी दिन में 3-4 बारी खाते हो, मंदिर साल में 3-4 बारी जाते हो। तो खैर वो उन्होंने महाराज जी ने मुझे नियम दिला दिया कि भाई मंदिर जाना है रोज, वो कहानी लंबी है, वो उतनी बता रहा मैं कैसे कैसे हुआ, खैर मैंने जाना स्टार्ट कर दिया। अब मंदिर जाने का नियम ये लिया महाराज जी ने, कहा भाई रोटी नहीं खाओगे मंदिर जाने से पहले, अब मंदिर इसलिए नहीं जा रहे थे कि मंदिर जाना है, जा इसलिए रहे थे रोटी खानी है, कि भाई रोटी खानी पड़ेगी तो मंदिर जाना पड़ेगा, नहीं तो जा ही नहीं, खा ही नहीं सकते। अब उसका असर क्या पड़ा, मैं तो इसलिए जाने लगा मंदिर के, रोटी खानी है तो मंदिर चले जाओ, अब मंदिर से वापस आके रोज माफी मांगो किसी ना किसी से, और सबसे पहले किससे मांगो, रोज, मतलब शुरू शुरू में ऐसे हुआ हर रोज माफी मांगता था, अब किससे मांगता था बताओ, सबसे ज्यादा पत्नी से मांगता था। अब वो कहती थी ऐसे कर्म क्यों करते हो,
कि जो तुम्हें माफी मांगनी पड़ती है। खैर धीरे धीरे थोड़े कम हो गए कर्म ऐसे। तो मैं अब याद कर रहा हूं कि पहले जब मैंने जाना स्टार्ट किया तो हर रोज माफी मांगनी पड़ती थी, अब वो हफ्ते 10 दिन में एक बारी मांगनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सुधर गया बहुत ज्यादा, पर यहाँ के 10 दिन में एक बारी पहले हर रोज मांगनी पड़ती थी। तो ध्यान देने योग्य ये बात है कि हमें क्रोध आता क्यों है, हमें अहंकार आता क्यों है, जिसकी वजह से हमें ऐसी गलती करनी पड़े, दूसरों से माफी मांगनी पड़े। उसका कारण जो सबसे बड़ा नजर आता है कि हमसे जो कमजोर है ना किसी भी तरीके से, उसके ऊपर हमें बड़ा क्रोध आता है, बड़ा गुस्सा आता है। या तो वो हमसे कमजोर है या वो हमारा अपना है, दो ही चीजें हैं। आप सोच के देखना दुनिया में किसके प्रति कसा है आपके मन में, आपके मन में द्वेष किसके प्रति है। सिर्फ वही लोग होंगे जो आपके अपने होंगे, जिनको आप नहीं जानते उनके प्रति आपके मन में कोई द्वेष ही नहीं है। अपनों के प्रति द्वेष हो जाता है या अपने से कमजोर के प्रति हो जाता है। मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा भाई, आप किसी भी इंसान को देखते हो, चलो एक चीज देखो, रेस्टोरेंट जाते हो ना, कभी ऐसा हुआ रेस्टोरेंट में आप चिल्लाए हो वेटर के ऊपर? आप नहीं चिल्लाए होंगे, देखा होगा चिल्लाते हुए लोगों को, देखा तो होगा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो गलती नहीं करना चाहिए उसको, आप उससे बड़े हैं। घर में नौकर को देख लो, छोटी छोटी बात पे चिल्लाएंगे उसके, छोटी छोटी बात, जरा जरा सी बात होगी भाई। उसी बात के ऊपर क्या अपने से बड़े के ऊपर चिल्ला सकते हो आप? नहीं चिल्ला सकते। बड़े का मतलब समाज में जिसकी प्रतिष्ठा ज्यादा हो उस पर नहीं चिल्लाएंगे, या जो ताकतवर, पैसे से ताकतवर हो, बाहुबल से ताकतवर, उस पर नहीं चिल्लाते, अपने से कमजोर पे चिल्लाते हैं। मैं एक छोटी सी चीज कहता हूं कि भाई देखो, जितने भी इंसान है उनमें कॉमन चीज क्या है? इंसान है हम। एक तरफ तो सीधी आत्मा की बात करते हैं, आत्मा परमात्मा कि हम आत्मा है, वो समझ ही नहीं आती भाई। आत्मा की बात करो कि भाई आपके पड़ोस में बैठी है आत्मा है, कहते कौन से वाली आत्मा, दिख तो रही नहीं भाई। कम से कम आत्मा मानो या ना मानो वो तो सच्ची बात है, पर उससे पहली स्टेज है कि ये तो मान लो इंसान है, ये तो मान सकते हो। अगर ये मान लोगे मैं भी इंसान हूं और ये भी इंसान है, तो मुझे लगता है कसाय थोड़ी कम हो जाएगी, क्रोध थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरी चीज कि हमारे को इस अहंकार को, अहंकार सबसे बड़ा कारण है जिसमें माफी मांगनी पड़ती है। अहंकार या क्रोध, जिसे दो चीजें कहते हैं, मान माया क्रोध मोह लोभ, उसमें सबसे बड़े तो दो ही हैं कि क्रोध और अहंकार। और क्रोध का भी सबसे बड़ा कारण अहंकार ही होता है। अब इसको छोड़ें कैसे? कोई छोड़ सकता है? कम हुआ है किसी का? ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे तो अहंकार है ही नहीं, जो ये कह देना मुझे अहंकार होता ही नहीं, समझ लो उससे ज्यादा अहंकारी कोई है नहीं, कि वो ये भी मानने को तैयार नहीं, अहंकार नहीं होता उसे, मुझे तो कभी गुस्सा ही नहीं आता। अरे कभी तो आता होगा भाई, सामने नहीं आता, अंदर से तो आता होगा। अगर आपको मन के अंदर क्रोध आ रहा है तो एक ही बात है, हम हिंसा की बातें करते हैं जैन लोग, ज्यादातर क्या कहते हैं, हम हिंसा नहीं करते जी। सोच के देखना अपने बारे में, स्थूल हिंसा तो कर नहीं सकते, जो कहते हैं कि भी एक्चुअल हिंसा करना तो हमारे को कर्मों में दिखा सिखाया नहीं गया, पर मन की हिंसा, अगर आपके मन में दुराव है किसी के प्रति, मन में पूरे विचार हैं, मन की हिंसा तो करते हो ना। अगर किसी को कोस दिया तो हिंसा ही तो है, और क्या है। देखो स्वास्थ्य मंत्री भी, छोटी सी बात बता दूं आपको, अगर स्वस्थ रहना है तो जैन बनो, और जैन सिर्फ कहने के लिए नहीं, अंदर से। जिस दिन हमारा मन इतना निर्मल हो जाए कि कोई गलती करे उसको अपने दिल से माफ कर दें, और इतनी हिम्मत आ जाए कि हमसे गलती हो तो एक साल की इंतजार ना करें कि क्षमा मांगने पे क्षमा मांगेंगे, 24 घंटे काफी हैं बस, कि 24 घंटे के अंदर माफी मांग ले, इससे ज्यादा टाइम ना लगाना। अगर इतनी हिम्मत आ गई तो मुझे लगता है काम हो जाएगा। क्षमा वाणी पर्व, देखो हमारे जितने भी पर्व हैं भाई, मंदिर कहते हैं ना रोज जाओ,
धर्म का पालन रोज करो, परंतु फिर भी पर्व आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि उस दिन याद दिलाया जाता है कि कोई गलती हो गई हो। तो क्षमा वाणी पर्व जो हमारा साल में एक बार ही मनाया जाता है, परंतु क्षमा हमें हर रोज मांगनी है। और कभी कभी, अब क्षमा के दो पार्ट हैं, क्षमा मांगना और क्षमा करना। क्षमा करना कई बारी क्षमा मांगने से भी मुश्किल होता है। हमें क्या लगता है कि भाई मैंने क्षमा मांग ली, सामने वाले ने तो मांगी नहीं, अरे नहीं मांगी तब भी कर दो। और एक इंसान और है जिसको क्षमा करना है, जिसको कोई नहीं करता, खुद को। अगर अपनी कोई गलती हो जाए ना, अपने आप को क्षमा नहीं करते हम लोग, कहते हैं मेरी वजह से देखो ऐसा हो गया, कोई बात नहीं गलती हो गई ना, अब क्षमा कर दो। तो अगर हम लोग आज ये ले लें कि भाई क्षमा कर भी देंगे और क्षमा मांग भी लेंगे, तो मुझे लगता है हमारा आज पर्व मनाने का बहुत बहुत सार्थकता रहेगी। मैं आप सभी से, अगर मुझसे कोई पूरे वर्ष में, क्योंकि मैं मिलता नहीं बार बार, इसलिए अगर कोई भी मन से, वचन से, कर्म से कोई भी आपके मन को ठेस पहुंची हो, मतलब ऐसा नहीं जरूरी मैंने जानबूझ के किया हो, मेरे कर्मों से हो सकती है। अभी रस्ते में मेरे साथ नवरतन जी किस्सा बता रहे थे, कहते एक जने कहते जी आजकल तो आप कुछ बोलते ही नहीं, मतलब हम दूसरी पार्टी वाले की बुराई नहीं करते। तो मैंने जैसे क्या कहते, उनको बड़ी ठेस पहुंची इस बात से, तो मैं उनसे भी क्षमा चाहता हूं कि किसी भी गलती से, कि किसी भी वजह से ठेस पहुंची हो, कहीं से भी ठेस पहुंची हो, जाने में और अनजाने में, मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूं दिल से। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्राम हमारा अभी समाप्त हुआ है। शास्त्र भेंट वाले सभी बैठे हैं, लेकिन समय की अव्यवस्था के कारण पहले हम माता जी का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद हम आगे अपना प्रोग्राम बढ़ाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः ऋषभ देवाय, धर्म तीर्थ प्रवर्तिने, सर्वा विद्या कराय, स्वात् आविर्भूता मनहित महीतले। मंगलम भगवान अर्हन, मंगलम ऋषभेश्वरः, मंगलम सर्वतीर्थेशाः, मंगलम भरतेश्वरः, मंगलम भरतेश्वरः। आज इस हमारी महिलाओं का ये संगठन सम्मेलन और क्षमावनी पर्व, मैं चिंतन अभी कर रही थी कि जब से मैं दिल्ली में आई हूँ, इस बार अष्टानिका में फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को मेरा प्रवेश हुआ है दिल्ली में, तो ये पहली सभा आज यहाँ बड़ी हुई है। अभी तक कोरोना काल में हमारे स्वामी जी ने शासन के अनुसार, हमारे स्वास्थ्य मंत्री के कहे अनुसार, यहाँ पर प्रतिष्ठा में भी एक हॉल में प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ हैप्पी स्कूल में यहाँ भीड़ नहीं होने दी, और महामस्काभिषेक में भी लोगों को सीमित ही बुलाया है, थोड़े थोड़े, और भीड़ नहीं होने दी। आज सहसा ये भीड़ एकत्रित हुई है, हमें देखकर प्रसन्नता है। अभी कोरोना काल तो प्राय समाप्त होने को है, और भगवान भरत की छत्र छाया में हम छानिध, चरण छानिध में हम लोग बैठे हैं, तो सब लोग सुरक्षित ही रहेंगे। मैं दो शब्द कहना चाहूँगी क्षमावणी के बारे में, तो विशेष नहीं कहना है, वो तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने और आपके अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए प्रति क्षण प्रतिदिन हमें क्षमा भाव धारण करना, ये उन्होंने आपको बताया, बहुत अच्छा लगा। अच्छी सूझबूझ के साथ वो आपसे बात कर रहे थे। मैं इतना ही कहना चाहूँगी अभी कि हमारे यहाँ पर सभी प्रतिष्ठित कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, समाज के धुर्य मुख्य, और महिलाएं जो हमारी भारतीय संस्कृति की मूल हैं। मैं इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगी, ये सब एक कैमरा वाले सब बैठ जाओ, एक बार सब बैठ जाओ। ऐसा है, मैं थोड़ा ये कहना चाहूँगी कि हमारी भारतीय संस्कृति का मूल क्या है। भारतीय संस्कृति का मूल है महिलाओं का, हमारी महिलाओं का सतीत्व भारतीय संस्कृति का मूल है, हमेशा ध्यान में रखना।
ये हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है। द्रौपदी पंचभर्तारी, जैन ग्रंथों में हरिवंश पुराण में इसका पूरी खंडन किया है कि जो सती भी हो पंचभर्तारी भी हो संभव ही नहीं है। जैन रामायण के अनुसार, जैन महाभारत के अनुसार और जैन पुराणों के अनुसार द्रौपदी के एक अर्जुन पति थे नकुल और सहदेव पुत्र के समान, और भीम और युधिष्ठिर पिता के समान थे। बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, जो लिखा है कि जो पंचभर्तारी कहें उनकी जिह्वा के 100-100 टुकड़े हो जाए, ऐसा शब्द लिखा हुआ है हरिवंश पुराण में। तो हमारी महिलाओं का सतीत्व, पातिव्रत धर्म, ये हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है। प्रयाग में 2001 में हमारे जो उनका क्या नाम था जो आए थे अध्यक्ष जी, अशोक सिंगल नहीं, वो राजकृष्ण जी थे, राजकृष्ण जी वहाँ के राजपाल थे, तो उन्होंने सब बड़े गौरव से कहा था, विष्णुकांत शर्मा, विष्णुकांत शर्मा जी ने बड़े गौरव से कहा था प्रयाग में कि हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है हमारी महिलाओं का पातिव्रत धर्म, और भारतीय संस्कृति में ही वो मिलेगा, पाश्चात्य देश में कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ की महिलाएं बाजारू औरत हैं और यहाँ की हमारी महिलाएं शील की धुरी हैं, बड़े गौरव से कहा था। आज मुझे याद आ गया, आप हमेशा ध्यान में रखें, ये हमारी भारतीय संस्कृति में अंतर जाति विजाति विधवा विवाह पुनर्विवाह आदि के साथ मूल संस्कृति है, महिलाओं का एक पातिव्रत धर्म, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, जो अग्नि को भी जल बना दिया जिसने ऐसी सती सीता ने, ये वो भारत भूमि है। अयोध्या में जो आज राम कुंड बना हुआ है वो राम का दातोन कुंड कहते हैं, समझे, अयोध्या में, क्योंकि हम अयोध्या के निकट जन्मे हैं तो अयोध्या की बात मैं आपको बताऊं कि वहाँ एक कुंड बना हुआ है, पानी भरा हुआ है, कहते हैं श्री राम का वो दातोन कुंड है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पिता और पितामह दादा ने सबने बताया था कि ये वो कुंड है जो सती सीता के समय अग्नि में जल हुआ था, ये वो कुंड आज तक बना हुआ है। ये गौरव से कहते थे, हमारे बुजुर्ग लोग गौरव से कहते थे कि ये वो कुंड आज तक, इसका न जल सूखा है और न जल सूखेगा कभी, इसका जल न खत्म हुआ है न खत्म होएगा, समझे। तो ऐसी भारतीय संस्कृति में हमारी महिलाओं के लिए आज गौरव का और प्रसन्नता का दिवस है कि हमारी महिलाएं एकत्रित होकर के आज जो कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं। जब हमने महिला संगठन की स्थापना की थी 1996 में और इंदौर में, और महासभा की शाखा है महिलाओं का संगठन, तो उस समय हमारी महिलाएं, जब हम दिल्ली में आए हैं 1972-76 में, तो उस समय हमारी महिलाएं बाहर में आकर काम करने में बहुत संकोच करती थी। हमारे छिलक मोती सागर जी जो प्रथम पीठाधीश बने हैं, उन्होंने हमारी महिलाओं की एक एक कॉलोनी में सभा कर महिलाओं का संगठन बनाया है, आपको निगम को सबको मालूम है, और उन्होंने बहुत जोर दे करके महिलाओं को कहा है कि आप चहर दीवारी के बाहर आकर के और काम करें, और काम करके और महिलाओं में जागृति लाएं। और आप देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारी महिलाएं बालकों में तो संस्कार देती ही देती हैं, पति को भी संस्कारित करती है, मौका पड़े तो रानी चेलना बनती है और श्रेणी जैसों को तीर्थंकर बनाने की प्रेरणा देती है। रानी चेलना ने श्रेणी के साथ क्या उपकार किया कि आगे वो तीर्थंकर बनेंगे, यह रानी चेलना का उपकार है। तो ऐसी ऐसी हमारी महिलाएं वीरांगनाएं, और लोक व्यवहार में भी हमारी झांसी की रानी आदि प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है। तो बात यही है कि महिलाओं का आज सभा का कार्यक्रम देख करके मेरा मन पुलकित हो रहा है, मन प्रसन्न हो रहा है, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जब आकर स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे हर कार्यक्रम में जब भरत भगवान यहाँ खड़े होने को थे और आए थे और उनकी ट्राली आई थी, उसी समय वो यहाँ विद्यमान थे, मौजूद थे, इसी जगह बैठे हुए थे। तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे सारे कार्यक्रम को वो मूर्त रूप दे रहे हैं, संभाल रहे हैं, जिम्मेवारी पूरी अपनी निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी पूरी निभा रहे हैं, पीछे नहीं है। और आप लोग समाज के तो आगे हैं ही, हमारे जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। तो बात यही है कि दिल्ली में 1972 से मेरा आगमन हुआ है। आप ध्यान रखो, दिल्ली में बड़े बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए हैं, और दो दो बार अटल बिहारी जी का आना, और हमारे
राष्ट्रपति पहले सबसे पहले राष्ट्रपति जो शंकर दयाल शर्मा ने थे उन्होंने झंडारोहण किया था हमारे 24 कल्पतरु विधान का रिंग रोड पर। बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो चुके हैं। तो अभी तो जो कोरोना के निमित्त से कार्यक्रम छोटे हो रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखो, कार्यक्रम आज छोटे नहीं है। क्यों छोटे नहीं मैं बताऊँ आपको, ये पारस चैनल निर्माणी चैनल आपके चैनल जो है, ये आपकी बात को, हमारी बात को, आज आपकी सभा को 25 लाख से अधिक लोगों को बता रहे हैं। हमारे जिस समय भगवान ऋषभदेव का महामस्तकाभिषेक हो रहा था मांगी तुंगी में, तो हमारे प्रकाश जी मोदी ने कहा था उन्होंने कहा था, माता जी इस समय 2.5 करोड़ लोग देख रहे हैं, 2.5 करोड़ लोग देख रहे हैं महामस्तकाभिषेक। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी। तो बात यही है कि इस चैनल के माध्यम से, वैज्ञानिक साधनों के माध्यम से हम काम छोटा करते हुए भी आज हम अनेक लाखों लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, इसका गौरव है। ये वैज्ञानिक साधनों का सदुपयोग। तो महिलाओं से हमारा इतना ही कहना है कि भारतीय संस्कृति की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी बालिकाएं महिलाएं निभाती रहे, अपने पातिव्रत धर्म को, अपने शील धर्म को सर्वोपरि मान करके और आगे काम करते हुए भी अपने मर्यादा का पालन करती रहे, मर्यादा में रहें, अपनी मर्यादा का पालन करते हुए समाज में सब कुछ कर सकती हैं। हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हमारे यहाँ आई हैं महिला राष्ट्रपति, इंदिरा जी 2 बार आई हैं मेरे सानिध्य में कार्य करने, 2 बार इंदिरा जी का सानिध्य हमारे सानिध्य में कार्यक्रम हुए हैं। तो बात यही है कि जहाँ हमारे भारत में महिला राष्ट्रपति भी हुई, महिला प्रधानमंत्री भी हुई हैं, वहाँ हमारी नारियों को पीछे कभी नहीं रहना है और न रहना चाहिए और न रहेंगी। आज जो एक कार्यक्रम हो रहा है ये केवल छमावनी का ही नहीं, छमावनी तो है ही है, उसके साथ सबसे बड़ा कार्यक्रम है हमारी महिलाओं का ये संगठन मजबूत रहे और दिन दुनी रात चौगनी दिल्ली में उन्नति करे और पूरी दिल्ली के संगठन में एक एक कॉलोनी में संगठन बने, कोई कॉलोनी बाकी ना रहे जहाँ संगठन ना हो। अभी हमने ऋषभदेव प्रभावना महासंघ की भी चर्चा की थी, उसके लिए भी आप सबको आगे रहना है। ऋषभदेव प्रभावना महासंघ की भी शाखाओं को सारी कॉलोनियों में जागृत करना है, बनाना है और साथ ही हर कार्यों में जुड़े रहना है। ये भारत का भारत, और जैसा कि आप सबने अच्छी तरह समझ ही लिया है कि हमारे ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। एक पुस्तक मैंने निकाली है, ये इसका विमोचन भी अभी स्वामी जी ने वहाँ किया है संसद सदन में, भवन में, वहाँ कार्यक्रम में, विधानसभा में श्री ऋषभदेव के पुत्र भरत से भारत। इसमें हमने जैन के तो प्रमाण है ही हैं, जैनेतर वैदिक ग्रंथों के 22 प्रमाण दिए हैं, 22 प्रमाण हमें उपलब्ध हुए हैं जैनेतर ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में, कि ऋषभदेव के पुत्र भरत से भारत, ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। ये गौरव का विषय है, ये सबसे बड़ा, ये इसलिए ये समझ लीजिए कि भारत का भारत, ये हमारी संस्कृति कितनी पुरानी हुई, एक कोड़ा कोड़ी सागर यानी असंख्यातों वर्ष पुरानी हो गई है, भगवान ऋषभदेव के समय से चली आ रही है, आज से नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करते हुए और अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए क्रोध, मान, माया और लोभ, इन कषायों को अपने अंतरंग से निकाल करके आत्मा को स्वस्थ बनाएं। आत्म के अहित विषय कषाय, आप लोग स्थितियों पढ़ते थे, आत्म के अहित विषय कषाय, यह आत्मा का अहित करने वाले, इनसे दूर रहे आत्मा स्वस्थ बनेगी। और आपस में क्षमायाचना करेंगे, मैत्री भावना, सौहार्द भावना बढ़ेगी। हम मैत्री और सौहार्द को स्थान देते हुए पूरे विश्व में मैत्री और सौहार्द की स्थापना करते हुए और अपनी संस्कृति को दिग्दिगंत व्यापी बनाएं। और हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ बैठे हैं और हमारे पवन जी, गुवारा जी आ गए हैं मध्य प्रदेश से, हमारे कार्यकर्ता आ गए हैं या वे सक्रिय मध्य प्रदेश की यात्रा करके घुमाने वाले, बड़ा अच्छा लगा कि हमारे सक्रिय कार्यकर्ता, इनके पिताजी हमें मांगी तुंगी ले जाने में बहुत बड़े कारण बने। उन्होंने कहा, सत्येंद्र जी आपको एक बात बताऊँ, जब 6 वर्ष पूर्व मैं मांगी तुंगी जाने के लिए तैयार नहीं थी, सन 1915 की बात है, तो वहाँ पर बुंदेलखंड का सम्मेलन हुआ था,
तो वहाँ ये हमारे पवन गुवारा जी के पिताजी आए हुए थे, कपूर चंद गुवारा। तो उन्होंने सभा में खड़े होकर कहा माता जी को जाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मेरा बस का नहीं है, मेरे सारी शक्ति नहीं है। बोले आप सामायिक में बैठी रहेंगी, पाटे पर बैठ कर सामायिक करेंगी, और हम आपको उठा करके हेलीकॉप्टर में रखेंगे, उड़ जाएंगे, उड़ा ले जाएंगे, समझे। हमको धमकी दिया, हम डर गए, और डर गए हमको धमकी। हमने सोचा कहीं ऐसा सचमुच में न कर दे, फिर ये हो जाएगा, माता ही तो हवाई जहाज में जाती है, यात्रा करती है। तो हम जो है फिर हमने बिहार का प्रोग्राम बनाया, और आप देखो भगवान ऋषभ देव की कृपा, वहाँ मांगी तुंगी भी पहुँच गए, तीन चातुर्मास भी वहाँ हो गए भगवान के सामने, जो महामस्काभिषेक को बड़े बड़े कार्यक्रम भी हो गए, यानी सबसे बड़ा कार्यक्रम भगवान ऋषभ देव का हुआ। और उसके बाद हमें मुंबई वाले ले गए तो मुंबई भी पहुँच गए, और सूरत वाले ले गए सूरत भी पहुँच गए, और फिर बचा खुचा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हम आए, उन्होंने कहा कि आपको मध्य प्रदेश की धरती, बुंदेलखंड की धरती छूना है, छूना है। और जबरदस्ती हमारे वो क्या नाम था उनका अध्यक्ष का भोपाल के, प्रमोद जैन हिमांशु, वो हड़ गए और बोले आपको धरती छूनी पड़ेगी। तो बुंदेलखंड भी गए, दो तीन जगह घूम कर आ गए, यात्रा करी आए, नैनागिरी, दोरणागिरी, सोनागिरी, और वापस सूरत भी गए, और वापस घूम घुमा करके आ करके, और आपके हंसरापुर में चतुर्मास भी किया, और फिर दिल्ली भी आ गए। ये सब भरत भगवान की कृपा और ऋषभ देव का कृपा। तो बात यही है कि आज हमारी महिला संगठन में हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ बैठे हैं, हम नाम तो अभी किसी का लेंगे नहीं, सभी हमारे कार्यकर्ता होंगे, खास करके हमारे सत्येंद्र जी के लिए, और हमारे ये जो महाभवा के अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष, हमारे अच्छे कर्मठकार योगी और आज्ञा पालन करने वाले हमारे गजराज जी, इनके लिए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। साथ ही हमारी महिलाएं, उसमें जो सुनीता काला है, सुनीता जैन काला, एक अभियान आपको चलाना है, नाम के साथ सब जैन लगाओ, नाम के साथ पहले जैन फिर अपना गोत्र, सुनीता जैन काला, सुनीता जैन काला, सब लोग अपने अपने नाम के साथ जैन जरूर लगाएंगे, धीरेन्द्र जैन जो भी लगाएंगे, आप अपने अपने नाम के साथ जैन जरूर लगाएं। हमारी जनगणना में हमारी संख्या घटती जा रही है, अकबर बादशाह के समय हमारी संख्या 40 करोड़ थी और आज 40 लाख में आ रही है, तो इसलिए जनगणना में जैन सब जरूर लगाएं, ध्यान रखें, सब लोग अपने अपने नाम के साथ इसका अभियान शुरू कर दें। मैं तो जोश प्रसाद के आपके महा अध्यक्ष को भी कहती हूँ और आपको भी कहती हूँ, सब इसका अभियान शुरू करें कि नाम के साथ जैन जरूर लगाना, और इसके साथ सब लोग जो है अपनी जैन संस्कृति का पालन करते हुए, और हमारी अग्रवाल समाज की गौरव सरिता जैन, उनके लिए भी अभी अस्वस्थ हुई थी तो बराबर फोन से आशीर्वाद लेती रही हैं, वो स्वस्थ हो गई हैं, उनके लिए परोक्ष में बहुत बहुत आशीर्वाद, और सभी महिलाओं के लिए तो आशीर्वाद है, सुनीता काला जी सबके लिए, और रंजना बाकलीवाल जी के लिए, और जो जो महिलाएं हमारी सक्रिय कार्यकर्ता है सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। साथ ही हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता में हमारे पंकज जी आए थे, हमारे डायरेक्टर जो यहाँ के इस पारस चैनल के, इस पारस चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को, हमारी जैन साधुओं की आवाज़ को और जैन समाज के कार्यकलापों को और भगवान भरत को, भगवान ऋषभ देव को सारे विश्व में पहुँचाने वाले पारस चैनल वालों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और ख़ास करके हमारे पुनः हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। हम आगे भी सत्येंद्र जी से चर्चा करके कुछ इन्हें और भी काम देना चाहते हैं, हम चाहते हैं और भी हमारे समाज में आगे आ करके इनके हाथों से अनेकों कार्यक्रम संपन्न हो और ये यशस्वी बने और हमारे आगे बढ़ करके जैन समाज का प्रतिनिधित्व शासन में करते रहें और शासन में आगे बढ़ करके शासन में भी अहिंसा परमो धर्म की विजय पताका फहराते रहें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए पुनः पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। दो मिनट चन्नामती माता बोलिए, परम पूज्य गणेश प्रमुख कार्यकर्ता श्री ज्ञानमती माता जी की। दो मिनट की चन्नामती माता जी, उसके बाद आगे का कर रहे हैं। हाँ,
ओम नमः सिद्धेभ्यः। सच तो इस नारी की शक्ति जग ने पहचान न पाई है, सच तो इस नारी की शक्ति जग ने पहचान न पाई है, और मंदिर में मीरा है तो वो रण में भी लक्ष्मी बाई है। ज्ञान क्षेत्र में ज्ञानमती है, ज्ञान क्षेत्र में ज्ञानमती नारी की कला निराली है, सच पूछो नारी के कारण ये धरती गौरवशाली है, ये धरती गौरवशाली है। महानुभाव, आज बड़ी संख्या में महिलाओं को देख करके सभी पुरुषों को थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है, लेकिन आपको मानना होगा कि नारी ने कभी किसी सीमा का उल्लंघन करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। नारियों की मसीहा ज्ञानमती माता जी हम सबको शक्ति देती हैं, और उस शक्ति के बल पर ही आप यहाँ पर अपना अपना कार्यकलाप यहाँ दिखा रही हैं। मैं समझती हूँ यह बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। दो दिन से लगातार मैंने देखा सुनीता काला पूरी टीम के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई हैं। वो इसलिए कि ये कार्यक्रम महिलाओं का है, इसमें किसी प्रकार की कोई डिफीट नहीं होनी चाहिए। और झंडी हिल रही थी चेन्नई से हमारी सरिता जैन की, वे अस्वस्थ हुई और उन्हें तमाम जगह से शक्तियां मिली। एक दिन सरिता जी की आवाज़ सुनकर के मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, सुखद अनुभूति हुई, और हमने कहा कि सरिता जी अभी आपको तो बहुत ज़्यादा काम करना है। आज यह क्षमामणि का कार्यक्रम, क्षमामणि माने बड़ा अच्छा एक जैन धर्म का एक गुण है कि क्षमा से ही पर्व का उद्गम होता है और क्षमा से ही पर्व का समापन होता है। क्षमा से ही पर्व का उद्गम, क्षमा से ही समापन है, और क्षमा श्रोतस्विनी सिंधु में पारस का उदाहरण है। क्षमा, पारसनाथ भगवान से ज्यादा क्षमा कोई दिखा नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। तो क्षमा श्रोतस्विनी सिंधु में पारस का उदाहरण है। कमठ के तीव्र उपसर्गों को, कमठ के तीव्र उपसर्गों को भी जीता क्षमा बल पर। क्षमा यदि वे नहीं धरते तो नहीं बन पाते तीर्थंकर। और बैर से बैर की शांति, देखो आज मैं समझती हूँ सब भीगे भीगे होंगे, तन भी भीगा होगा, मन भी भीगा होगा, क्योंकि बहुत आराधनाएं की हैं, संतों के प्रवचन सुने हैं, जिनवाणी के शब्द को पढ़ पढ़ करके और अपने जीवन के अंदर उतारा है। तो क्षमा, यदि पारसनाथ भगवान में क्षमा देखना है तो उत्कृष्ट क्षमा, तो आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि क्षमा कसाय से, कसाय शब्द से दूर हट करके क्षमा की ओर जाते हैं। क्षा, क्षा में क्या है, देखो का और क्षा ये दो चीजें मिलती हैं तो आत्मा कसती है। आत्मा किससे कसती है? क्रोध से। और जब क्रोध को छोड़ देते हैं तो क्षमा अपने आप आती है। इसलिए मैंने एक चिंतन किया कि अतीतों की न सोचो तुम, अतीतों की न सोचो तुम, हृदय में स्नेह भर लाओ। लोग सोचते हैं हमारे पुरखों ने उनके घर में बोला नहीं, बात नहीं की, हम कैसे बात कर लें, हम छोटे हो जाएंगे, हमारे घर की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। नहीं, कर्म सब सिद्धांत, कर्म सिद्धांत सबका अलग अलग है। इसलिए हमें किसने कितनी लंबी कसाय रखी थी इस पर नहीं जाना चाहिए, मैं समझती हूँ जहां तक।
अतीतों की न सोचो तुम, हृदय में स्नेह भर लाओ और भुलाकर पीढ़ियों की शत्रुता सब एक हो जाओ, भुलाकर पीढ़ियों की शत्रुता सब एक हो जाओ। सभी महिलाओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, चाहे वो महिला संगठन है, चाहे महिला महासभा की बहने हैं। अभी ज्ञानमती माता जी यहाँ 4 नवंबर दीपावली पर्व तक है, आप अपने अपने करिश्मे जरूर और दिखाना, समझी इंदू जी। और एक कार्यक्रम को इतिश्री मत समझना, लेकिन इनसे शक्ति लेते हुए भगवान भरत के इस भारत देश में रहकर हम अपने अस्तित्व को निरंतर उन्नत बनाए रखें, यही भगवान भरत से प्रार्थना और आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद। केवल एक सूचना है, 20 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी का 88वां जन्म जयंती महोत्सव हम और आप सब लोग मिलकर के मनाएंगे, संभवतः इसी स्थान पर कार्यक्रम करेंगे। ये 70वां त्याग दिवस है माता जी का और 88वां जन्म जयंती महोत्सव है। जो व्यक्ति, जो महिलाएं माता जी के करकमलों में शास्त्र भेंट करना चाहेंगी, वो केवल 5100 रुपये या 8800 रुपये देकर के शास्त्र भेंट कर सकेंगी। हमारे सत्येंद्र जी माननीय मंत्री महोदय प्रस्थान कर रहे हैं, आगे का कार्यक्रम आप चलाते रहे। माननीय सत्येंद्र जी पधारे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सागर महाराज की, प्रकाश जी भाई साहब दो शब्द जरूर बोल के जाएंगे 2 मिनट के लिए आपको। प्रकाश जी बरजात्या जो महामंत्री हैं महासभा के, जिसके अंतर्गत जिसकी एक शाखा है महिला महासभा, जिसका आज ये कार्यक्रम चल रहा है, प्रकाश जी भी 2 शब्द बोलेंगे और अभी कार्यक्रम चलेगा। और सब लोगों के लिए देखो, सब लोग ध्यान रखो, आप लोग जो घर में बनाती हो ना, वही खाना यहाँ पर बना है। सुंदर गोलगप्पे बने हैं, सही समझे ना, दही बड़ा बना है, देखो सबको अच्छी अच्छी चाट खाना है, छोले भटूरे भी बने हैं और मीठा भी है, मीठा भी है, मूंग की दाल का हलवा बना है। देखिए प्रकाश जी सभी से अनुरोध है, आपका सत्येंद्र जी को थोड़ा सा प्रसाद जरूर खिला करके भेजेंगे। उसके पहले मैं कह दूं कि हमारी महिला समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता जी, यहाँ से रंजना जी, सरिता जी काला, ज्योत्सना जी और जितनी महिलाओं ने आप जो जो कार्य किया है, वाकई में अनूठा कार्य है। इसी तरीका से महासभा को आप लोगों का योगदान मिलता रहेगा। इसी भावनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया, और इसके लिए सब धन्यवाद के पात्र है। बड़ा स्थिति पर क्षमावणी कार्यक्रम पर आपका हार्दिक अभिनंदन। देवादिदेव परसम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य इंद्रकांत सागर जी महाराज चरणों में नमोस्तु। गणनी मारिका ज्ञानी माता जी के बंदा में, हमारे चंदनावंत माता जी को मेरा साधा बंदा में, समस्त मुनि संघ को मैं नमोस्तु बंदा में, की स्वामी जी को मेरा इच्छा में। बंधुओं, बरस तिल पर क्षमावाणी पर धूमधाम से बताया मना रहे हम, क्या हुआ में आचार्य अनेकान सागर जी, ज्ञानदेव माता जी, चंदनमत माता जी एवं रविंद्र माता जी को उन्हें मैं हार्दिक अभिवादन नमोस्तु बंदा में इच्छा में करता हुआ मैं जन करता हूँ कि क्षमावणी पर्व एक अनूठा पर्व है। जो देश के हर कोने में मनाया जाता है, विश्व में एक ऐसा धर्म है जो हम जैन समाज मनाते हैं। इसमें प्रत्येक प्राणी से एक अंद्र से लेकर 5 इंद्र तक हम उसे मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। मैं आदरणीय परम पूज्य ज्ञानी ज्ञानमती माता जी का हमारा परम सौभाग्य है कि उनका चतुर्मास दिल्ली में हुआ और भारत स्थली का निर्माण हुआ।
माता जी जो भी कार्य अपने हाथ में लेती है वो पूरा करती है। हसनापुर, कुंडलपुर, मांगी तुंगी, मुझे अयोध्या एवं भरत स्थली अनेक कार्य किए हैं। माता जी से मेरा सादर विनम्र अनुरोध है, माता जी आप इच्छा शक्ति है, आप जैन समाज को संगठित करवाएं। जैन समाज विघटन की ओर जा रहा है, आप वरीय माता जी हैं, आचार्य शांति सागर जी के पश्चात वीर सागर से दीक्षित माता जी हैं, जिनवाणी की एक मुख्य जिनवाणी, आप एक स्वयं जिनवाणी हैं। आपके वचनामृत से पूरी जैन समाज संगठित होगी, इसे मैं जैन समाज को एक होने में आवश्यकता मिलेगी। इसलिए माता जी हम एक कार्य कर रहे हैं, हमने 5000 जो दिग्विजय समाज के मंदिर हैं उनका संकलन किया है, ताकि वहाँ उसके उनमें जैन गजट के माध्यम से जैन समाज के बारे में पूरे समाज में जानकारी मिले। हमारा प्रयास है हम उसे पूर्ण रूप से सही करेंगे। अगर इसमें कोई त्रुटि रहती है तो माता जी के निर्देशानुसार हम उसे ठीक कर लेंगे। माता जी से जब मैं, हमारा पूरा परिवार 1981 से जुड़ा हुआ है, 1981 में मेरे पिताजी विधान में स्वतंत्र मित्र बने थे। हमारा परम सौभाग्य है कि माता जी के विधान के पश्चात हमारे परिवार में सुख शांति वैभव की उन्नति हुई। हम माता जी के अत्यंत आभारी रहेंगे, हमारा पूरा परिवार। इसके अतिरिक्त माता जी भारतीय दिग्विजय महासभा एक 26 वर्षीय प्राचीन भारतीय दिग्विजय महासभा है, जो समाज के सब भागों में सर्वांगीण विकास में सहयोग देती है। हमने 2006 में सड़मेलवाला में महिला महासभा की स्थापना की थी। हमारा उद्देश्य महिला सशक्तिकरण का था। उस समय जब स्थापना की थी तो महिलाओं स्वावलंबी बनाने हेतु वहाँ साइकिल का वितरण किया था। हमारा प्रयास है कि महिला महासभा सशक्त हो, सशक्तिकरण हो। और आदरणीय रजना जी बाकलीवाल, सुनीता काला, संध्या सेठी के और सहिता जी किंडेशन में महिला महासभा अनूठा कार्य कर रही है, और रजनी बागलीवाल रजनी भी उसमें सहयोग सम्मिलित है। मैं उन सबका हार्दिक साधुवाद आभार भी करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि महिला महासभा इसी तरह आगे प्रगति करती रही और महासभा के लिए कार्य करती रही। इसी शब्दों के साथ में समय का अभाव है, मैं उन शब्दों को विराम देता हूँ। नमोस्तु, विराम माता जी। मुझे जैसा आदेश मिला है अब महाराज जी आशीर्वाद देंगे, उसके पहले एक छोटा सा मैं जो नाम बोलूं, शास्त्र भेंट माता जी को और राजरानी जी हमारी एक नृत्य नाटिका नीरू जी जो प्रस्तुति देगी वो करेंगी, उसके बाद हम स्वामी जी, उसके बाद हम आशीर्वाद लेंगे। तो शास्त्र भेंट के लिए प्लीज जल्दी से आ जाए हमारे संगीता अजमेरा जी, नाम बोले आप। भारत गौरव गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, सप्तम पट्टाचार्य श्री अनिकांत सागर जी महाराज श्री और प्रज्ञा सरमणी आरिका रत्न श्री चंदामती माता जी के कर कमलों में शास्त्र भेंट किए जाएंगे, और जो शास्त्र भेंट कर रही हैं उनके नाम हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि कृपया वे जल्दी आ गए। श्रीमती शशि काला जी, श्रीमती संतोष जैन शक्तिनगर, श्रीमती आभा जैन, श्रीमती विभा जैन, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमती शशिकला जी,
श्रीमती वीना पाटोदी जी, श्रीमती शशि कासलीवाल जी, श्रीमती मधु जैन सेठी जी, श्रीमती सुधा जैन जी, सुनंदा जी, संगीता अजमेरा जी, सुनीता काला जी, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया शास्त्र भेंट करने के लिए मंच पर आ जाए। रानी राजौरी गार्डन से राजेंद्र खुशबू, वो लोग यहाँ नहीं हो तो सुमन जी उनकी जगह, ये सब प्लीज जल्दी से माता जी को शास्त्र भेंट करें। उसके बाद नीरू जी प्लीज आप आ जाइए और अपना प्रोग्राम चालू रखें। उसके बाद हमारे कई वक्ता रह गए हैं, उनसे मैं माफी चाहती हूँ, जिन जिन से हमने बोला था यहाँ पे शक्तिनगर की महिलाएं, आपके लक्ष्मी नगर से मानी बहुत सारी इकाइयाँ आई हुई हैं, उन सबको हम स्वागत करते हैं। अभी सबका नाम बोलेगा, आप लोग थोड़ा सा समय का ध्यान रख के और जल्दी नहीं करें, सब लोग यहीं पे बैठे। और जिनवाणी माता हो, जिनवाणी माता तेरी शरणा, जो भी नर है आता भव से तर जाता। जिनवाणी माँ अपनी, जिनवाणी माँ जिनवाणी माँ। और हमारे बीच मेघना जी, जिन्होंने गुड़गांव में भी महासभा की एक इकाई स्थापित की है, मेघना जी वे भी माता को शास्त्र भेंट करेंगी।